you are trying to reach does not exist. Please check the number you have dialed. जल्दी कर रहे हैं। सॉरी भाई, गलती होगी। ए, दिमाग खराब हो गया क्या तेरा? अबे तू है कौन? बड़ी हस्ती समझता है। अपने बंदे को संभाल, इसी ने पहले हाथ उठाया था। वो तो होश में नहीं था, तू तो होश में था ना? कितना मार इसको। चलो उठाओ, उसे उठाओ, उठाओ, उठाओ इसको। तुम लोग इंसान हो या नहीं? इसे बस कर यार। चलो चलो चलो, हम देखते हैं। चल चल चल, रुको, तुम शांत रहो, तुम जाओ, तुम जाओ। अरे अरे अरे, अब कहाँ चल दिया? लिली को दिमाग से निकाल दे, भूल जा उसको। अब ये क्या नया नाटक है तेरा? ए, किधर जा रहा है? ए बॉबी, इसकी हरकतों से तो हम सब पागल हो जाएंगे। वो किसी की नहीं सुनता। लेली, मुझसे बात करो, ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। लेली बताओ तुम कहाँ पर हो? मुझे बताओ तुम कहाँ पर हो, मैं अभी आ जाऊंगा। लेली तुमको जवाब क्यों नहीं दे रही हो मुझे? सटक गया क्या? देखो लेली, तुम ये ठीक नहीं कर रही हो। जवाब दो मुझे। चल तो बैठ, चल बैठ गाड़ी पे, बैठ। बैठ गया, जाने दो। तू संभाल के चलाना, चल। जब वो मेरी जिंदगी में आई तो सब कुछ बदल गया, और जब वो गई तो सब कुछ उजड़ गया। अब सांसें तो चल रही हैं, पर जिंदा नहीं हूं। एक पहचान लाश बन चुका हूं। क्या हंगामा मचा के रखा है? स्टूडेंट्स के बारे में ना सोचने वाली अंधी सरकार। हाय 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 हाय, मैंने वादा किया था कि फीस कम कराएंगे, उल्टा आपने तो 50% और बढ़ा दिए। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। लाइब्रेरी फी, लैब फी, कैंटीन फी, कितना फी और हमसे लोगे तुम लोग? आपको यहाँ बिठाया गया है हमारी बेहतरी के लिए, ना कि अपनी जेबें भरने के लिए। कारोबार बना कर रख दिया,
हम पढ़ाई करने के बारे में सोचे या हाथ फैला के फीस के लिए भीख मांगे? इन सबका जिम्मेदार मैं हूँ। लेकिन आप कोशिश तो कर सकते ना सर, आप इस बात की जिम्मेदारी लीजिए और यहाँ से सारी की सारी भीड़ चली जाएगी। जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। सुनो पुलिस को बुलाओ जल्दी। नहीं सहेंगे। बिल्कुल सही कहा। हमसे जो टकराएगा। सुन, अनिता ने खुदकुशी की कोशिश फीस की वजह से नहीं की थी, कोई फैमिली का लफड़ा है। प्रॉब्लम बदल गई तो क्या जान सस्ती हो जाएगी? बॉबी अब तू अनिता को कुछ मत बोलना, समझा? देख यार बॉबी मेरी बात मान ले। देख तू बीच में मत आ, इससे दूर रह। अरे तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? ये जो बोल रहा हूँ सच है। चार दिन से स्टूडेंट भूखे प्यासे रहकर नारे लगा रहे हैं, 200 स्टूडेंट्स को निकालने की तैयारी हो रही है, मालूम है तुझे? जिसमें तेरा नाम भी है। मुझे लगा तू भी अपनी जान उस फीस के चक्कर में दे रही है। उम्र क्या है तेरी? हाँ अकल नहीं है तुझे? ये गले की चेन निकल जा। कर क्या रहा है बॉबी? ये हट तू, निकल चल। खा लफड़ा बढ़ा रहा है। हर बात की हद होती है। फायदा नहीं है क्या? हम पागलों की तरह स्ट्राइक करें? हाथ छोड़ मेरा, हटा। तुम जैसे लोगों को ना खुद की पड़ी होती है ना दूसरों की। शांत हो जा नहीं तो मामला बढ़ता हो जाएगा। तेरे कहने पे ये सब चले जाएंगे। क्योंकि मेरे पास भौंका है। इंस्पेक्टर साहब, कौन भौंका? आपको जो भी कहना है मैं हूँ, मुझे बताइए। ओ भाई साहब, आप लीडर हैं क्या? तो ऊपर क्या कर रहे हैं? नीचे आइए, इनको रवाना कीजिए। अरे यार, गोपी की शादी है क्या? ढोल बजा रहा है, कान के पर्दे फाड़ दिए। हाँ अपनी बकवास शुरू कीजिए। पर मैं अभी फैसला नहीं ले सकता, कुछ नहीं कर सकता मैं। तो आप कब कुछ करेंगे प्रिंसिपल सर? जब एक आध लोग मर जाएंगे तब? हाथ पे हाथ धरे कब तक बैठे रहेंगे? हवलदार साहब आप तो मेरी बात समझ रहे होंगे ना? ओए हवलदार नहीं, इंस्पेक्टर हूँ मैं। देखिए ये अस्पताल है, यहाँ शोर ना करें तो बेहतर होगा। मुझे एक हफ्ते का टाइम दीजिए, वीसी से बात करनी होगी तभी कुछ हो पाएगा। बात समझ में आ गई? ये हफ्ता मांग रहे हैं, अपना प्रोग्राम बंद कर। स्टूडेंट यूनियन जिंदाबाद! स्टूडेंट यूनियन जिंदाबाद! स्टूडेंट यूनियन जिंदाबाद! जितनी हिम्मत अपनी जान देने के लिए दिखाई है ना, उतनी हिम्मत मुसीबत का सामना करने में दिखाती। स्टूडेंट यूनियन जिंदाबाद! स्टूडेंट यूनियन जिंदाबाद! हालातों से डरने वाले कमजोर होते हैं, अगर इरादे मजबूत हों तो सब कुछ मुमकिन है। बस लड़ने का जज्बा होना चाहिए। कॉमरेड सूर्यम मेरे दादा, उन्होंने मेरे साथ साथ पूरे इलाके को जीने का सही तरीका सिखाया। आज मैं जो कुछ भी हूँ उन्हीं की वजह से हूँ। मेरी लड़ाई यहाँ से शुरू हुई थी और मुद्दा था हम स्टूडेंट्स का हक। जहाँ स्टूडेंट्स की कोई नहीं सुनता था तब हम उनकी सुनते थे। उनका मेरे सिवा कोई नहीं था, इसलिए सब मुझे कॉमरेड कहते थे। मेहरबानी करके उसको जरा समझाइए। जैसे वो स्टूडेंट्स के लिए फाइट करता है हमारे लिए भी करे, उससे हमारी तनख्वाह बढ़ जाएगी। चल चल चल, लेक्चर शुरू हो गया। आज हम न्यूरोसाइंस के बारे में जानेंगे। संभाल के। कोई प्रॉब्लम तो नहीं? ये लो दवाई है। वहाँ पे टेबल्स लगा, डॉक्टर्स वहीं पर खाना खाएंगे और पेशेंट्स को यहाँ पर नाश्ता दे। भाई ये मेरे दोस्त विनय। नमस्ते भाई। चेतन जी भाई काम पे लगा दो इसको। काय का पैसा? पर कितने पैसे हुए भाई? 200 रुपया। उधारी का पैकअप? जी जनाब। चल पीछे। बॉबी ऐसे कदम उठाने से पहले तुम सोचते क्यों नहीं? पूरा कैंपस सर पे उठा लेते हो। सर कॉलेज में कुछ गलत होता है तो या तो उसे आप रोकिए या फिर मुझे खुद रोकने दीजिए। सुन रहे हो उसे? क्या कह रहा है ये? अपना गुस्सैल नजरिया बदल लो तो तुम्हारे लिए बेहतर होगा। हो गया तो चलो।
तुम्हारे प्रिंसिपल का फोन आया था। तुम भी अपने दादा से कम नहीं हो। मैंने बचपन से उन्हें देखा है, सारी उम्र अपने वतन के लिए ही लड़ते रहे और उनकी वजह से ही हम कंगाल हो गए। और अब सिर्फ ये आशियाना बचा है। आवाम की भलाई के लिए लड़ना ठीक है, पर जब तुम ये लड़ाई हार जाओगे ना, तब तुम्हें ये बात सबसे ज्यादा खलेगी। देखो विनय है ना, वो पॉलिटिकल पार्टी के साथ मिल चुका है। अपने को देखना पड़ेगा कि ये लोग का जो कैंपेन है वो। इतनी रात में ये कौन है? अनीता ही लग रही है। ए, इस वक्त तू यहाँ क्या कर रही है? हमें समझ नहीं आता हम क्या करें। अरे क्या मसला, बोल तो सही। ए, रोती रहेगी या बताएगी भी क्या हुआ? सोनिया का भाई हमेशा हमें तंग करता रहता है बॉबी, इसीलिए हम जान देना चाहते हैं। हमेशा हमारा पीछा करता रहता है, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा कि हम क्या करें। पर तूने अब तक छुपाया क्यों? पहले तो वो हमसे दूर से ही बात करता था, पर आज तो उसने सबके सामने हमारा हाथ पकड़ लिया। परेशान हो चुके हैं हम, अब तो कहाँ ले जाना भी दुश्वार हो चुका है हमारा। जिंदगी में अगर तुझे कोई तंग करेगा तो क्या उसे डर के अपनी जान दे देगी तू? तेरी किस्मत अच्छी थी, तू बच गई। ऐसे जिएगी? इस जीने को कोई जीना नहीं बोलते। चलो उसे सबक सिखाएंगे। मैं उसे समझाने की। सब बंदोबस्त अच्छे से हो गया ना? हाँ भाई हो गया। बॉबी सुन, तू बस चुपचाप खड़े रहना, जो भी बात करनी है वो मैं करूंगा, ठीक है? ये देख बेवकूफ लोग आ गए। क्यों रे मार्टिन, मेले में किसको ढूंढने आया है? ढूंढने नहीं, तुमसे बात करने आए हैं। ये हमारे बीच अनीता कहाँ से आ गई? और खामा खा उसके पीछे पड़ने की क्या जरूरत है? अनीता अच्छी लड़की है, और आज के बाद उसे परेशान करना छोड़ दे। तेरे घर की है, इतना उछल क्यों रहा है? चल चल दफा हो जा, चल। उसने अभी तक खा नहीं बोली, लेकिन बुलवा कर रहूंगा मैं, फिर बिस्तर पे लेके जग। चल देख बॉबी, हम लड़ने नहीं आए हैं। किशोर सुन, देख तुझे सीधा सीधा बोल रहा हूँ, हमें लफड़ा नहीं चाहिए। ये जो हुआ है उसके लिए माफ करना। ए चल चल, देख क्या रहा, लेके जा इसको। हाँ, तुझे कहा था ना कि तू हाथ नहीं उठाएगा, फिर क्यों उठाया हाथ तूने? ऐसे ही लफड़ा करता रहेगा तो चलेगा कैसे? सिर फोड़ दूंगा, लेकिन समझोगे नहीं तुम लोग। अरे बॉबी को बचाओ यार, वो वहां अकेला है। चल चल चल, अरे चल ना। ए रुक, भागता किधर है? यार बॉबी, ए बॉबी बस कर यार, चल यहां से निकलते हैं, मेरी बात सुन रहा है? ए, बॉबी पुलिस आ गई है, निकल यहां से। सर इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है। ए ज्यादा बोल मत,
तू मुझे बताएगा क्या सही है क्या गलत है? मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ सर, वो हमारी कॉलेज की लड़की को बहुत दिनों से परेशान कर रहा था, उसकी वजह से वो सुसाइड करने वाली थी। अगर ये बात है तो तुम लोगों ने होशियारी क्यों दिखाई? पहले ही पुलिस स्टेशन नहीं आ सकते थे? जवानी का जोश कुछ ज्यादा ही उबल रहा है क्या? इस बार मैं तुम्हें आखिरी मोहलत देके छोड़ रहा हूँ। दोबारा ऐसा किया तो मैं तुम्हारे जोश को बर्फ की तरह ठंडा कर दूंगा। जिंदगी भर तुम लोग अफसोस मनाते रहोगे। यूनियन के नाम पर दंगे फसाद बंद करो। आप कंप्लेन दर्ज कीजिए। बोलना क्या चाहता है तू? कंप्लेन दर्ज करवानी है? जा लेकर आओ उस लड़की को, वो कोर्ट में गवाही देगी। चप्पल घिस जाते हैं कोर्ट में गवाही देते हुए। बुला उस लड़की को, जा बुला। हम उस लड़की का तमाशा नहीं बनाना चाहते थे, पर लगता है आप जरूर बनाएंगे। गुनहगारों को सजा देने के बजाय मासूम को तंग करने के बारे में सोच रहे हैं। बहुत ज्यादा ही बोल रहा है। हो कौन तुम? तुम्हारा मकसद क्या है? स्टूडेंट है। स्टूडेंट्स? तो क्या दंगा करोगे? इसी वजह से हम पुलिस स्टेशन नहीं आए। गलती सारी वो कर रहे हैं और आप हमें डांट रहे हैं, ये क्या बात हुई? मुझे सिखाएगा? क्या बदतमीजी कर रहे हैं सर? आप कौन कानून अपने हाथ में ले रहे हैं? देख क्या रहा है, मुझे ज्ञान दे रहे हैं, डाल सबको अंदर। खुशी मिल गई तुझे? कहीं भी जाएगा लफड़ाई करेगा, डर नाम की चीज ही नहीं है। ए मार्टिन, या चलो निकलो तुम लोग। जी सर। ए मार्टिन, वो लड़का है कौन? कोई तुरम खा है क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं है साहब, अपना दोस्त है, कॉलेज में पढ़ता है साथ में। तू बिल्कुल फिक्र मत कर, मैं साहब से बात करता हूँ। थैंक यू सर। तू सिर्फ 10,000 का इंतजाम करवा दे, बाहर निकलवा दूंगा। 10,000 का इंतजाम करना बहुत मुश्किल है। तो मुझे क्या सड़न है? मैं कोशिश करता हूँ। जल्दी ले गया। जी 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 जी, मैं इंतजाम करता हूँ। उसका इलाज भी हो जाएगा पर फिलहाल नहीं, इलेक्शंस नजदीक है, मुझे कॉलेज में कोई मसला नहीं चाहिए। वो बॉबी, वो सब मेरी जिम्मेदारी है, तुम जाओ। सही है भाई। अबे तूने उन ठुल्लुओं को रिश्वत क्यों दी? क्या उखाड़ लेते अपना? तू उल्टी खोपड़ी है क्या? अगर पैसा नहीं देते तो अंदर ही रहते। इंस्पेक्टर पट गया तो मामला ले दे के सुलझ गया। किस मिट्टी कह रहे, फर्क ही नहीं पड़ता। हमने ऐसा कोई काम किया ही नहीं था, खाली भोकर डरने का कहो। बात डर की नहीं। अरे पागल है क्या? अरे ये लड़की अंधी है क्या? ये स्कर्ट वाली बिल्ली अचानक रास्ता कैसे काट गई? अरे आंखों में बटन लगा रखा है क्या, दिखता नहीं तुझे? बस ऊपर पहुंचने ही वाले थे हम। अरे काय का सॉरी, तेरी सॉरी का मलहम लगाऊं? छे दूर है, छुओ मत। रुको मेरे पास फर्स्ट एड है। अपने को मनी एड चाहिए, समझे क्या? पर पैसे किस बात के? मैं बैंडेड लगा दूंगी तो ठीक हो जाएगा। ओ नाटा कंपनी, नर्स है क्या तू? वो तो नहीं हूँ। तो काय को झिकझिक कर रही है? आपके नसें हिला दी। मेरी क्या गलती है, मैं तो बस से उतर के रास्ता। चुप कर, ये दिखता नहीं है क्या? इसकी वजह से अभी मर जाते और ये अपने को फर्स्ट एड की गोली दे रही है। गलती हो गई भैया। इसने तो तेरे को भैया बना दिया। भैया बोल के जख्म पर नमक छिड़क रही है। ए, मसला क्या है? अबे तुम लोग भी इसकी तरह अंधे हो गए हो क्या? मरते मरते बचे हम लोग, दिखाई नहीं दे रहा? जन्नत के दरवाजे से लौटे अभी। अरे ये देख, हेडलाइट तो टूट के बिखर गई। क्या बिखर गई? क्या करेंगे भाई? एक्सक्यूज मी, इसके पैसे निकालो और बाइक ठीक कराने के भी। हम कोई करोड़पति बाप के औलाद नहीं है, समझी? जल्दी कर, पूरा दिन नहीं है। एड़ी, ज्यादा टेंशन मत ले, रिपेयर के बाद जो पैसा बचेगा इधर से ही आके ले जाना। आजकल घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। ए बॉबी, इधर आ। जी। अरे उधर खड़े खड़े ही बात करेगा क्या? ऐसे दीदे फाड़ फाड़ के क्या देख रहा है? लिली को भूल गया? याद नहीं इमली तोड़ने के लिए पेड़ पर चढ़ता था, इसी के लिए तो भूल गया? अरे दिमाग खराब हो गया है क्या? बचपन में भी इसी से झगड़ कर इसे रुलाया करता था। बॉबी तुम्हें कुछ पता चला? सुबह सुबह जब लिली बस से उतरी तो किसी लफंगे ने इसे डरा धमका के इसके पैसे लूट लिए। ए फूटेगा तेरे मुंह से, बताना इसको क्या हुआ था। घर से बाहर निकलो तो सावधानी बरतना बहुत जरूरी है। अरे शाने, तेरा ठिकाना यही है? तू भी यहाँ की है, तूने कहाँ बताया था? बोलने का था ना जाएगी बहनू, अब ये बात बाहर मत निकलना, अपने बीच में ही रखना। और बता दूं तो फिर से पैसे लेने का इरादा है? बड़ी अम्मा। हाँ।
केड़ी, ज्यादा होशियारी मत दिखा। जो आदमी मेरे पैसे छीन के ले गया ना, वो शाम को वहीं आके पैसे वापस देने वाला है। छोड़ूंगा नहीं इसको, तो आज मैं जहन्नुम पहुंचा के रहूंगा। लिली के पैसे तीन था। अंकल आपसे बात की नहीं जा रही, बात को बड़ा क्यों रहे? मैं जाके देखता हूँ ना, आप लोग टेंशन मत लीजिए। अच्छा? मैं सब संभाल लूंगा। नहीं, अरे नहीं करते, मैं हूं ना, क्यों तकलीफ कर रहे? मैं भी चलती हूँ। तुम क्यों साथ चलेगी? उसे पहचानोगे कैसे? पहले तुम उससे मिले हो। दिमाग खराब है तेरा, इसके बिना कैसे पहचानेगा? जा इसको साथ ले जा। यहाँ किस खुशी में खिला पिला रहे हो? तेरे को ही साथ में आने का था ना, अब जिधर जा रहे हैं उधर चुपचाप चल। सॉरी बोलने में शर्म आती है? सॉरी बोलने का मतलब नहीं है। इसमें मतलब की क्या बात है, अजीब हो। देख थोड़ी तंगी लगे लिया, पैसे की जरूरत थी, समझ ले तेरे से उधार लिया है, वापस लौटा दूंगा तेरे को। अभी तेरे घर पे क्या बोलने का? बोलना कि मेरे सामने आए, मेरे को देख के लोग डर गए और कांपते हुए सारे पैसे वापस दे दिए, समझी? ये लो, शर्मा मत ले। रिश्वत? वो मीठा कर। दीदी को तो लव लेटर लिख के पटा रहा था और मुझे धमकी भी दी और पैसे भी ले लिए। वो बॉबी तू ही है ना? इसके पास तो अपनी पूरी कटिंग है। पता था, तेरा प्यार भरा लव लेटर तो दीदी ने फाड़ दिया था ना। कॉलेज में पढ़ने जाते हो या सब लड़कियों को लव लेटर लिखते फिरते हो? हाँ क्या हुआ, जवाब नहीं है? इतने भी नेक नहीं हो जितना लोग समझते हैं। तेरा हो गया तो चले। बचपन से बहुत ही शर्मीला है, यहाँ तक कि मुझसे आंख मिलाकर ठीक से बात भी नहीं करता। अब तू मुझे ये बता, उसने क्या कहा? वो गुस्सा तो नहीं है ना? ए, बात घुमाने की कोशिश मत कर, और अब जल्दी से मेरे सवाल का जवाब दे। मैं बॉबी को समझाते समझाते थक गई कि पढ़ाई की उम्र है, लव लेटर्स लिख के खुद को बर्बाद ना करे। तेरा भाषण बंद कर। ये क्या? पेपर्स में कुछ भी ठीक से नहीं लिखा यार। अरे भाई आओ, बैठो ना, बैठो ना, तुम लोग भी बैठो। ये पानी लेकर। अच्छा ये बता, तूने उस दिन मेले में सूर्या के भाई को क्यों मारा? तूने बहुत गलत किया, अब वो खामोश नहीं बैठेगा। वैसे भी इलेक्शन खत्म होने तक वो तुझे कुछ नहीं करेगा, उसके बाद तू गया तुझे कोई नहीं बचा पाएगा। विनय की बात सुन ले और सूर्या से मिल ले। ये है कौन? पहले कोई नाम सुना क्या? कौन है ये? भाई क्या है ना कि हम लोग का एक उसूल है, जो जब तक हम लोग के साथ रहता है हम उसे अपना मानते हैं, और वो जैसे ही दूर चला जाता है हम लोग उसको गिनती में भी नहीं रखते हैं। इसलिए ज्ञान हम लोग को मत दो। बेस्ट ऑफ लक, ठीक है? तू थोड़ा संभल के रहना। आपको भी बहुत सारा लक, क्योंकि वो नया यूनियन बना रहा है ना, उसके लिए लगेगा लक। टाइम पर खाना खाया करो। हमारा कपड़ों का कारखाना, जिसका ख्याल हमारा बेटा ही रखता है। बहुत बढ़िया, कुछ भूला नहीं ना? चाबी दो। दादाजी से लेना। सुन कहीं मत जाना, लड़के वाले आते ही होंगे। हाँ आ रही हूँ। सुन बॉबी, जया जिससे शादी कर रही है ना, उसकी चिंदी की बहुत बड़ी फैक्ट्री है। शादी के बाद जया भी चिंदी चोर ना बन गए। चिंदी की नहीं, कपड़े की। हाँ, चिंदी हो या कपड़ा, तू मुझे मत सिखा। मेरा दिमाग खराब हो गया आपको सिखा। तू कहाँ जा रहा है? बैठ। भूख नहीं, अभी डोसा खाया था। बनाया तेरे लिए, खा के तो देख, बहुत टेस्टी है। पीने के लिए पानी लेके आती हूँ। ले बॉबी, ठीक लग रही हूँ ना? फूर की परी लग रही हो, है ना? अरे मेहमान आ गए, किधर जाके बैठे हो? मैं आ रही हूँ। आइए, नए सोफे पे बैठिए, बैठिए, मजा आएगा। नमस्ते, नमस्ते, बैठिए।
घर काफी बेहतरीन है। हे बॉबी, लड़का दिखने में कैसा है? कुछ ज्यादा ही बड़ा है। अपना नाम तो बताओ बेटी। जया। मेरे अच्छा दिखती है। लड़का तो स्मार्ट लग रहा है। अरे खाइए खाइए, बहुत पैसा बर्बाद किया। हाँ शर्माइए मत, खाइए ना। आप ले लीजिए। बॉबी बॉबी सुन ना, दीदी के लिए तेरी बात चलाऊं? अभी भी वक्त है, सोच ले। तूने क्या मैरिज भी और खोला है यहाँ से? छोटी, दादाजी के रूम में कैंडल लगाना मत भूलना। ठीक है माँ। और बॉबी, इसे पिसवाला आंटी के यहाँ से। ये पैसा पैसे के चक्कर में मुझे मत पिसो। सन, रमेश से मिल और मेल लाइन चेक करवा। ये किधर फंसा दिया माँ? अरे जाना। सुनिए, तेरा ड्रामा बंद करा। और तुझे पता है पहली शादी है और घर में कितने सारे काम होते, मुझे हेल्प नहीं कराएगी तू? वक्त बर्बाद मत कर, जल्दी से पैकिंग कर और आ जा इधर। कोई भी काम दो, हमेशा लेट होते हो। पीस के लाती हूँ, बैठ। होगा तो मिस कॉल दे देना, मैं आ जाऊंगा। क्यों, थोड़ी देर बैठना, जाए ऐसे गप्पे लगा, तब तक दाल पीस जाएगी, मैं ले आती हूँ। बॉबी, दीदी का हाथ मांगने आयो? बॉबी कैच। अले क्या हुआ, नींद की बीमारी मिले देता? नहीं, आपके पेट की फिक्र हो रही थी। हाँ, मिला पेट तो तुंदल है, दा बकवास बातें कर रहा है। हे बॉबी, बैठ ना मेरे पास, सुन ना, एप्पल कट कर देगा? खाना खा लियो? अरे बॉबी कैसे हो? ए, तुम जानती हो ये बहुत अच्छी कहानियां सुनाता है, तुझे याद है ना? ओ, तुम तो बड़े टैलेंटेड हो। लिली, ये कम नहीं है, ये बहुत बड़ा कलाकार है, लड़कियों को चिट्ठियां भी लिखता था। ओ, सच में? इसकी कहानियां तो बहुत मशहूर है। लगता है तुम्हें बहुत पसंद है। सॉरी। ए बॉबी, फिलहाल कुछ नया लिखा है? अरे बता भी दो ना, इसे कहानियां बहुत पसंद है। सुना दो बॉबी, प्लीज। डियर कॉमरेड, पहली बार प्यार का एहसास हुआ है। ऐसा लग रहा है कि दुनिया खूबसूरत है, लेकिन जब वो नजर नहीं आती तो सूनापन खाने लगता है। मौत तो बस एक बहाना है ताकि हम जिंदगी में कोई मकसद बनाएं, और मेरा मकसद सिर्फ उसे पाना है, पर शायद वो मेरे नसीब में नहीं। हंस क्यों रही है? कमाल की स्टोरी है। क्या था, बहुत दिल पे एक बहाना है, कमल में तो निकला था क्या? ज्यादा मत हंसो, बेल्ट खुला ना तो लुंगी भी खुल जाएगी। भाभी मत जाओ। सुनो 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 सुनो, कहानी कमाल की थी, झूठ नहीं बोल रही। डियर कॉमरेड, पहली बार प्यार का एहसास हुआ है, ऐसा लगता है कि दुनिया खूबसूरत है। क्या बात है, क्या बात है, एक दिन जरूर अवार्ड मिलेगा। बाय। कॉमरेड माकिननी सूर्यम, कॉमरेड मतलब कोई सर ने मैं क्या? अरे नहीं,
कॉलेज के टाइम पे दादाजी सबकी ऐसी तैसी करते थे, शायद इसी वजह से उनका नाम कॉमरेड पड़ गया। जब से मैं इस घर की बहू बन के आई हूँ ना, मोहल्ले के एक ही कॉमरेड है बॉबी के दादाजी। कॉमरेड? एक कंप्यूटर, वो भी लाल कलर का, हो गया कॉमरेड। अगर तुम्हें इसके बारे में बेहतर जानना है तो ऊपर जाओ, दादाजी बता देंगे। ये राज किसी को नहीं मालूम। चलिए बताइए ना। जब कोई अपने हक के लिए लड़ता है उसे बड़ी दिलेरी से काम लेना होता है। बहुत मुमकिन है उसे बहुत सारी परेशानियों से गुजरना पड़े बेटा। उस वक्त जो उसकी मदद करे और मंजिल पाने में उसका साथ निभाए, उस शख्स को कहते हैं कॉमरेड। चल चल, पास डाल। अरे पकड़ इस बार तो पकड़ना यार। मुझे भी खेलना है। ये बच्चों के खेलने की चीज नहीं है, टेनिस बॉल है, बहुत जोर से लगती है। डरा रहा है बड़ी अम्मा? उन्होंने कब से शुरू किया? ए मार्टिन, इधर क्रिकेट खेलेंगे। मालूम है कैसे खेलते हैं? दीवार पे फुल टॉस 6 है, ये दीवार पे 4 रन है, ये ड्रॉइंग क्या हुआ विकेट है वो उड़ना चाहिए, दीवार के पार मारा तो आउट है, फ्रॉक संभाल के फील्डिंग कर। हाँ समझ गई। हाँ खुली रखना, खेलते हैं आंटी रोड की अम्मा। और कैच मत छोड़ना, ठीक है? चल चल रेडी। ए सुनो, एक काम करो, तुम इधर आ जाओ, मैं उधर आ जाता हूँ, वरना बॉल मुंह पे लगेगी, चेहरा खराब हो जाएगा। बचानी है, तू इधर है। अरे यार मैं तो भूल ही गया था, इधर आ जाता, बाउंड्री बचानी है। अरे उधर जाना, तू आ जा, इधर आ जा, चल। क्या कर रहा है? सब रेडी है ना? क्या कर रहा है? शुरू कर रहा है। ये गई पहली बॉल। अरे बहुत सारी बात बात बात, दो चाहिए दो चाहिए, चल जल्दी चल। देख मार्टिन, टिक्के खेलना पड़ेगा, टारगेट ज्यादा दूर नहीं है, टुकुर टुकुर भी खेलेंगे ना तो एक एक रन बना के हो जाएगा, समझा ना? चल बेस्ट ऑफ लक, जा। अब देख मेरा जल। 1 2 3 4 चूक गया, नहीं तो छक्का था। आजा आजा आजा, छक्का मार बॉबी। हाय गाइस, कैसे हो? हाय लिली। अरे ये मुसीबत कब पीछा छोड़ेगी? हाय हाय, ये मैच हम ही लोग जीतेंगे, तुम टेंशन मत लो, पैसे मिल जाएंगे तुम्हें। वैसे यहाँ नहीं का कष्ट क्यों किया, हम ही लोग आ जाते। अब देखना बॉबी का छक्का आएगा इधर। छक्का छक्का छक्का। देख प्रेशर में मत खेलना तू, रघु को स्ट्राइक देते रहे, टेंशन मत ले, जा। रुक 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 भैया, इसे क्रिकेट का बहुत शौक है इसलिए हम यहाँ आए हैं। दरअसल हम तो जया के शादी का कार्ड देखने जा रहे थे। हाँ। हम लोग के साथ? इसका भेजा फिर गया क्या? धूप देख काली हो जाएगी तू, शाम को गली में खेलेंगे, तू बैठ के देख। इसे भी खेलने दो भैया, ऐसा क्यों कर रहे हो? ये भाग भाग भाग। स्कोर किधर पहुंचा रहे? 6 बॉल में 18 मांगता है। क्या हुआ? मिडिल स्टंप उड़ गया। ठीक है ना? कसूर मेरा नहीं, बैट का है। वापस 6 तो पक्का था। तो फिर मैच तो खत्म हो गया ना? कैसे? अबे आखिरी विकेट गया, किधर मैच बाकी है? ये तो इंजर्ड है। अबे दड़िया लिए इंजर्ड है, पूरी टीम थोड़ी इंजर्ड है। ए बॉबी तू फिक्र मत कर, मैं हूँ ना। राइट हैंड तो खराब है तेरा, लेफ्ट हैंड से कैसे खेलेगा? चल किधर गया वो? अगर कोई नहीं है तो मैं खेल सकती हूँ। इसको खेलेगा तू? अबे लड़के लोग नहीं खेल पा रहे, 5,000 की शर्त लगाई हुई हम लोग ने। बात मान, मैं अच्छा खेल लेती हूँ। ये देख जिद मत कर, ये इसको बर्फ दे सेकने के लिए। चलना पहले दिमाग कर, तुम ही बता दो बैटिंग कौन करेगा। ए भाई लड़के को खिला चाहे लड़की को, अपने को फर्क नहीं पड़ता है। और जब लड़की बोल रही है तो खेलने देना, ज्यादा चर्बी चढ़ रही है तेरे को। हाँ मेरे को येड़ा समझा, मेरे को मालूम नहीं क्या कर रहे तुम लोग। क्यों क्या हुआ, हारने से डर लग रहा है क्या? ये दिमाग की दही मत कर, समझा? खेलने देना। अरे लिली ये लोग जानबूझ के उकसा रहे, तेरे को मालूम नहीं ये लोग कौन है? एक बार तो खेलने दे, मैं बोल रही हूँ ना मैं अच्छा खेलती हूँ। लड़की खेलेगी। तो ज्यादा ही हंस रहे हो, अभी जीत के दिखा, अभी तुम सपने में भी जीत के दिखा। देखो बॉल को मारे है ना मारे, तू भाग लेना, स्ट्राइक मत दे उसको, बॉल को बस टच करके छोड़ देना। ठीक है।
अरे बाप रे, तो सिक्स मार दिया यार। बॉबी देख रहे तू? उसने खुद मारी क्या? हाँ यार, खेली लगती है। अरे रोक 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 रोक, पकड़ दो। ये लो। थैंक यू। वेलकम। वैसे मैच देखने के लिए बहुत पब्लिक थी। तुम्हें क्रिकेट खेलना आता है? हाँ, स्टेट प्लेयर। स्टेट प्लेयर? ओरे बाबा, स्टेट प्लेयर? सुन के इतना चौंक क्यों गए? हम लोग तो गली में ही GPL खेल खेल के अपने को हीरो समझते हैं। अब तुम्हारे जैसी स्टेट प्लेयर के सामने अपनी लोगों की इज्जत ही क्या है? तुम हमारी टीम के कैप्टन बन जाती हो ना, तो हम लोग थोड़ा माल कमा सकते हैं। डोंट माइंड, एक सेल्फी ले लूं? हाँ क्यों नहीं। अरे चलो, हाँ, चलो, चलो, एक चलो, सेल्फी तो बन गई है। रेडी है? बाबी भी आ रहा है क्या? चल संभाल के जा। ओके बाय। बाय लिली। बाय। बॉबी, सुना है गिटार अच्छी बजाते हो, लिखते भी हो, बजाते भी हो, कमाल के हो। मतलब पूरा दिन प्रैक्टिस होती है? कभी कभी तो थक के ग्राउंड पर ही सो जाते हैं। माने देने भेजा था। चलता हूँ। सच बताओ। थोड़ी माँ बुला रही। अरे लिली, उस दिन मैच जीते थे तो हम लोग ने पार्टी रखी है, तो तू भी आ जा, तेरी वजह से तो जीते। बेफिजूल इलेक्शन, जनता का फिर से बनेगा वो फट। इलेक्शन इलेक्शन आ गया है। क्यों गला फाड़ रहे हो? सब सामान लेकर आ गए ना। हाँ हाँ, हाँ मैं आ रहा हूँ। कॉमरेड्स, कॉमरेड्स,
इनसे मिलो। ये हमारे चक्री भैया एडब्ल्यू। नमस्ते। और ये लिली। ठीक है, क्यों बजाओ? आ गया इलेक्शन, बेफिजूल इलेक्शन, जनता का फिर से बनेगा, जनता का फिर से बनेगा, जनता का फिर से बनेगा। अपने ग्रुप में दो नई एंट्री हुई है। अरे कुछ ऐसा सुनाओ कि सुन के मन एकदम ढिंचक ढिंचक करने लगे। डफली शुरू हो जा। मार्टिन के लिए मैं गाना बजाऊं, उसकी जो धुन पे नाचे 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 सारे कॉमरेड रे, यारों के हम यार कॉमरेड रे, यारों के हम यार कॉमरेड रे। ए बॉबी, इन्हें मिलने आया, वो कह रहा है कि उसे कुछ बात करनी है। तो रुक, मैं देखता हूँ मामला क्या है। अरे विनय, अरे आना, अंदर आना यार। कहाँ है बॉबी? हाँ, इलेक्शन रैली में आने से फटती है क्या? अरे वो स्टूडेंट इशू नहीं था, और हम लोग पॉलिटिक्स मैटर में ज्यादा पढ़ते नहीं, तो इसलिए। यूरे, मैंने सुना तुम बंटर लोग अपन को नहीं जानते। बॉबी को क्या लगता है अपन को कुछ पता नहीं? उसको बोल जमीन पे रहने का। चल बुला उसको। अरे भाई थोड़ा आराम से बात करना। चल बॉबी को बुला। क्या रे, बहुत चर्बी चढ़ गई तुझे? उस दिन तुझे इज्जत से बुलाया तो तुझे समझ में नहीं आया क्या? तू बुलाए हम पूंछ हिलाते चले हैं, हमारी रैली में आने में तुझे शर्म आती है? हम लोग भाड़े के टट्टू नहीं है जो रैली में आएंगे। हम लोग स्टूडेंट की भलाई के लिए काम करते हैं, पॉलिटिकल पार्टी के लिए नहीं। कितने स्टूडेंट्स की अब तक जॉब प्लेसमेंट नहीं हुई है, मायूसी में डूबे हुए हैं, हॉस्टल से बाहर नहीं निकलते। उनकी प्रॉब्लम तो तुम लोग ने सॉल्व नहीं की, तो हम लोग रैली में आकर क्या करें? भंगड़ा और एहसान क्या जाता रहा? जब हम लोग ने बुलाया था तुम लोग आए थे क्या? हाँ एक मिनट। तुम लोग को मदद के लिए बुलाया था, तुम लोग ने मुंह खोल के पैसे मांगे। हम लोग इधर सौदेबाजी करने के लिए नहीं बैठे, समझा ना? चल निकल। ए, अपनी औकात के दायरे में रह, ज्यादा शाणा मत बन। सूर्या के भाई से क्यों पंगा लिया? वो स्टूडेंट का मसला था क्या? उसके साथ जो हुआ वो खुद उसके लिए जिम्मेदार है। चढ़ क्यों खींच रही? अंदर जा चल। बॉस ने अनीता को छेड़ा, अनीता स्टूडेंट है तो स्टूडेंट मैटर ही हुआ। वो क्या बक रहा है? सूर्या के भाई को पीटेगा? वो चाहे तो कुछ भी कर सकता है, उसके पास पावर है, पैसा है, हमारी कोई हैसियत नहीं है उसके सामने। ओहो, अब मैं समझा। तो यहाँ पर हम लोग को रैली में बुलाने के लिए नहीं, अपनी खुन्नस निकालने के लिए आया है ना? देख यहाँ पे तो तेरी दाल गलने वाली नहीं है, तो जिसके आगे पीछे तू दो मिला था ना, तू उधर ही जा। उल्लू के तलवे चाट चाट के बहुत आगे बढ़ेगा तू। पैर का अंगूठा भी चूस, बहुत तरक्की पाएगा। इस हरकत के लिए तुझे माफी नहीं मिलेगी, याद रखना। तो अंदर चल, चल बॉबी। इतनी गुमसुम क्यों है? कल का सीन देख के डर गई क्या? कल तुम्हें देखकर मुझे विनोद की याद आ गई। कौन है ये विनोद? हाँ? विनोद मेरा भाई है। ओ, आज तक बताया नहीं तेरा भाई भी है? कभी मिला उससे? कहाँ पे रहता है? दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोटेस्ट करते हुए वहीं पर उसकी मौत हो गई। वो भी मेरे सामने। बॉबी, जीत सिर्फ खुद पर हासिल की जाती है, दूसरों से लड़ाई करके हम अपना ही नुकसान कर बैठते हैं। ये मारपीट, दंगे, हंगामों से मेरा भाई तो वापस नहीं आएगा ना? इससे परिवार को जो दुख उठाना पड़ता है उसे सिर्फ मैं ही जानती हूँ। मैं उसे बहुत याद करती हूँ, अकेला महसूस करती हूँ उसके बिना। लिली, तेरे से शादी करने का दिल कर रहा है, तेरा हाथ मांगने हूँ? ट्रेन आ गई है, सिगरेट फेंक दो। अरे लिली, मेरी बच्ची, कैसी हो बेटा? मैं ठीक हूँ। अंकल कैसे जाएंगे? हाय डैड। और बताओ बॉबी, क्या हाल चाल है? एकदम मस्त। तुम मेरे साथ आओ। दोनों ये बैग भी दे दो। शादी की तैयारी कैसी चल रही है? की चल रही है? क्या बात है, हम देख के सब खुशी से झूम उठेंगे। आ
बात है। काफी दिन हो गए मिले हुए। अरे ये क्या हो गया? गिल जाती है ना। कैसे हो दीदी? ठीक है ना? तैयारियां हो गई ना? बहुत ट्रैफिक था रास्ते में। दीदी को तो पता नहीं भाई, तुम मेरे पीछे काय को मुंह खोला। तो पसंद आया आपको? बहुत खूबसूरत। मुझे पता था यही आपका फेवरेट कलर है। ये लीजिए। लो इसे भी पीस दो। अरे कुसुम आओ ना बेटा। बहुत दिनों बाद ये सब देख रही हूँ। कितना सुंदर लग रहा है। यही रुकना, मैं अभी आई। देखो। हाँ बस बहुत है। देखना। इतना काफी है ना? हाँ ठंडा पानी भी क्या था? नहीं थैंक यू। नहीं नहीं मुझे नहीं पीना। आपके लिए है। हीरो, अब चलेगा भी? दे इसे साइड में रख दे। ऐसे लगाना है। ये जलेबियां सबको दे दो। और मैं पापड़ दे देती हूँ। मेरे को दो चलेगा। ये ले। और एक तू? अरे उधर क्या ले जा रही हो? दो ना मुझे। अबे हम लोग मजदूर हैं क्या? बंदोबस्त नहीं है? ऊपर पूरा बंदोबस्त है भाई। क्या? ए जल्दी लाना। ए अंकल बहुत ताकत है। क्या क्या कर रहा है? ठंड रखना। क्या हुआ? लक्की है तो कम ऑन दीदी, अब आपकी बारी। आज बिल्कुल मना मत करना। आज तो डांस करना ही पड़ेगा आपको। बहुत मजा आएगा। चलो चलो शुरू करो शुरू करो। हाँ हाँ मैं लेकर आ रही हूँ। रुक जा। आंटी वो जो पंडित को एडवांस भेजना था ना, वो मैं देकर आ गया। अच्छा। जा जा। खुश रहे। हमेशा खुश रहो। अरे क्या बात हुई दादाजी? ए संभाल के संभाल के। अरे तो बांधना लाल, इधर देना। इसको किधर बांधू? और बांधू क्या? हाँ इधर 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 इस साइड। वो वाला दे फूल मुझे। आंटी यहाँ पर कुर्सियाँ लगा दी गई और वहाँ से बारात आई। हीरो हीरोइन आ गए। सर्वे भवन्ति सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। अब अपने कुल देवता को प्रणाम कीजिए। सुनो बिटिया, मुझे एक और कलश की आवश्यकता है। पंडित जी वही रखा है। नहीं यहाँ तो नहीं है। देखिए ना बेटे, उसको सही तरह से शीघ्र मंगवा लीजिए। अरे हाँ। अरे जाके पूजा के गमले देखो। पूजा के कमरे में मिट्टी का कलश रखा है, सफेद रंग का है। जा जल्दी से जा।
लिली। बॉबी बाहर मिट्टी का कलश मंगवाया है, व्हाइट कलर का, जरा देखो ना प्लीज। लिली क्या आज कमाल दिख रही हो। थैंक्स। मिला क्या? हाँ थैंक्स। चलो बॉबी चलो। लिली बॉबी जाने दो। आई लव यू बॉबी। ये तुम क्या कह रहे हो? हम एक दूसरे को ठीक से जानते तक नहीं हैं। हमारे बीच दोस्ती ही ठीक है। देखो पहले तुम्हें दीदी पर क्रश था और अब तुम्हें अचानक मैं पसंद हूँ। अरे यार प्लीज। मैं कुछ दिनों में चली जाऊंगी, फिर हमारी लाइफ अलग होगी, हमारे रास्ते अलग होंगे, हम दोनों की दुनिया, हमारी दुनिया अलग है। कुछ वक्त की बात है, फिर मैं भी भूल जाऊंगी और तुम भी भूल जाओगे मुझे। जाने दो लिली। हमारा अब तक का सफर बहुत अच्छा रहा है बॉबी, सिर्फ इसे छोड़ के प्लीज। तत्सवितुर वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। मंगलं भगवान् विष्णु मंगलं धर्मध्वजा मंगलं पुण्डरीकाक्षाय मंगलाय नमो हरि। प्रणाम दादी माँ। खुश रहो बेटा। हाँ आपका ख्याल रखना। हाँ आप भी। संभाल के देना। आल जल्दी आना। आते रहना। लिली तेली बहुत याद आएगी। और अपना ख्याल रखना। हाँ अपना ध्यान रखना। फोन जरूर करना। बाय। सुन सिलेंडर खत्म हो गया, जा जाके आंटी के घर से ले आ। दिन के लिए तो लिली यहाँ आई थी और तू उस पे सेंटी खा गया। बॉबी लफड़े बहुत हो गए, अब पढ़ाई में ध्यान लगा। खड़े हो। गेट अप आई सेड। चिट कहां पर रखी है? कोई चिट नहीं है सर, प्लीज चेक हिम। शूज? मैं कॉपी नहीं करता सर, कोई चिट विट नहीं मेरे पास। आई सेड टेक ऑफ योर शूज। hmm.
उसने जो कहा मुझे उसका गम नहीं, गम इस बात का है कि मैं उसे कुछ नहीं कह पाया। उसने कहा कि हम एक दूसरे के लिए नहीं बने, लेकिन मुझे यकीन है कि हम एक हो सकते हैं, क्योंकि उसने कभी नहीं कहा कि वो मुझे पसंद नहीं करती। आफत है, दो चाहे यार। जी लगता है बादल में किसी ने छेद कर दिया है, बारिश रुकी नहीं रही। अगर ऐसी रहा तो बाढ़ आ जाएगी। बढ़िया फॉर्म में खेलेंगे ना तो हम जरूर नेशनल्स तक पहुंच जाएंगे। बहुत बढ़िया शॉट था। चलते हैं रुबीना। चलो चलते हैं। बाय। अरे तुम यहाँ टू व्हीलर पे आयो, इतनी दूर? तेरी गलतफहमी दूर करने आया हूँ। तो कोई हूर परी नहीं है समझी, अपनी बहन के नाखून बराबर भी नहीं है। उसके बाल देखे कितने अच्छे हैं, और तेरे बाल देख परकटी मुर्गी। गाड़ी में बैठते हुए पीछे मुड़ के देखी नहीं मेरे को बालकनी में, इतना घमंड। अट्रैक्शन नहीं, सच्चा प्यार करता मैं तेरे से। बहुत आई गई, पर जो तड़प तेरे लिए मची ना दिल में वो कभी नहीं मची। तेरे साथ खेलती रुबीना और दीक्षा। रुबीना जी इधर। हाँ जी। ये बैटर अच्छी है या बॉलर? बोलो। तभी इतनी जल्दी विकेट ले ली मेरी इसने। गुगली पे गुगली डालती है। लेकिन आप तो इनके दिमाग में बसे हुए हो। सच कह रही हो? मेरा मतलब है जब से आई है तुम्हारे बारे में ही बात करती रहती है। ऐसा क्या? हाँ पहले बताओ तुम मेरे लिए इतनी दूर क्यों आए? जैसे तुझे पता नहीं है। हम चलते हैं बाद में। बाय लिली। बोला ना तेरे को प्यार करने लगा हूँ, लेके दूँ क्या? उस दिन तो मैंने तुमसे बहुत कुछ कह दिया, पर यहाँ कर तुम्हारी यादों ने मेरा पीछा ही नहीं छोड़ा। अब तो दिन रात तुम्हारे ही ख्याल आते हैं। पता है मैं ऐसी बिल्कुल नहीं थी। याद है मैच की पार्टी वाली रात, तुम्हारा झगड़ा देखकर मैं बहुत ही डर गई थी। असल में तुम्हें दिल ही दिल चाहने लगी थी, पर उस झगड़े की वजह से शायद मैं रुक गई। इस वजह से तू ना बोली? अरे वो गाली के लायक थे, तू प्यार के लायक है, तेरे पे थोड़ी भड़कूंगा। तो जब मेरे से डरने की कोई जरूरत नहीं है, तेरे बिना जीना बहुत ही मुश्किल है लिली। आज से ये कॉमरेड सिर्फ तुम्हारा। वहाँ पे चलें? नहीं यहाँ। कितनी तेज है। Hey!
अपना इरादा स्टार बन गया। अगर ये मैच जीतना है तो अपना बेस्ट देना होगा। दुनिया को दिखा दो कि हम क्या हैं। कैसी है? मैं ठीक हूँ। क्या कर रही है? प्रैक्टिस और क्या? क्या बात है? हेलो आंटी। अंदर आओ। तुम बैठो, मैं कॉफी लेके आती हूँ। आओ। ये देखो। दहेज में ये सब लाएगी ना? ये तेरी फोटो है? अरे दो ना। याद आ रही है विनोद की? छोटी उम्र में ये बहुत शैतान थी। अच्छा बेटा, आते रहना। हाँ सुनो, अच्छा उनको भी हाय बोल। सब बॉबी को हाय बोलो। हाय बॉबी। हाय। थैंक्स। हाय हेलो। लेली ये बता तू कब आ रही है? जैसे ही बैंगलोर से लौटूंगी सबसे पहले तुम ही से मिलने आऊंगी। प्लीज थोड़ा वेट करना। आई एम रियली रियली सॉरी एंड आई रियली मिस यू। रखूं? बाय। नहीं मुझसे रहा नहीं जा रहा, मैं आ रहा हूं वहां पे। तो मैच खत्म कर, मैं पहुंचता हूं उधर, ठीक है? रुक रुक रुक, स्टेशन तक पहुंचाएगा क्या? कहाँ आ रहे हो तुम? आ गया आ गया आ गया बाबा। ऐसा लग तो नहीं रहा, कहाँ हो? हेलो तुम भी ना। फोकस बिल्कुल हिल गया, सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचती रहती हूँ। चलना, कोई मिला नहीं सुबह से, मेरे को ही पिना रही है। सच कह रही हूँ। तेरे क्रिकेट और तेरे बीच में कोई नहीं आना चाहिए, फिर चाहे वो मैं ही क्यों ना हूँ। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। चलो चले, चलो ना। हाँ देख, हीरो इनसे बात कर रहा है, करा ना मेरी बात, करा ना। अरे चलना तू। अरे ऐसे कोई भीगता है? अरे पीछे रहो, पहले कपड़े चेंज करो। अच्छा चलो जल्दी। अभी गीला नहीं हो, चल। कितना भागोगे?
ऑस्ट्रेलिया जाने के बाद तुम सब बहुत याद आओगे। तुमसे एक बात बोलनी थी। लिली थोड़ी मासूम है, तुम्हें बहुत चाहती है। उम्मीद है तुम उसका ख्याल रखोगे। अरे उसका तो इतना ख्याल रखूंगा कि मायके आना भूल जाएगी। तूने उससे बात की? हाँ। पिक्चर देख के मजा आ गया। उस दिन बहुत फुदक रहा था ना, आज तक को बताता हूँ। और हीरोइन तू, वो भी आजा। किधर गई थी उसके साथ? हाँ बोल भाई। क्या? चल 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 जल्दी चल। बहुत नीचे कर, नीचे कर। निकाल। ए, तुम लोग तो निकलो यहाँ से, निकलो। बॉबी चल, तू क्या कर रहा है? चल 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 निकल निकल इस तरफ। भाई डॉक्टर का कहना है 48 घंटे से पहले कुछ भी नहीं कह सकते। भाई मैंने पहले ही आपको बॉबी के गैंग के बारे में आगाह किया था, मगर आपने ही कहा कि इलेक्शन तक रुको। अब हश्र देखिए, उन्होंने भाई को कहीं का नहीं छोड़ा। मौत के घाट उतार दो से। जी भाई। चलो बाहर चलो। सर क्या हुआ? सर अरे सर कहाँ लेके जा रहे हो? बहुत बड़े गुंडे हो तुम। हाँ बोलो, किशोर को क्यों मारा? तेरा नाजायज बच्चा है क्या? तमीज। अरे सर क्या कर रहे हो? साथ जबान लड़ा रहे हो? सर बोल क्यों रहे हो? चल सर, अभी बताता हूँ मैं कि मैं तुमसे कितना बड़ा गुंडा हूँ। पगार कॉलेज से लेता और नौकरी उनकी करता है। तुमने मुझ पर हाथ उठाया? शोर को मारा तुम लोगों ने? अब तुम लोग जिंदा नहीं बचोगे। निकल निकल। जरा जाने दो प्लीज। अनीता मुझे क्यों बुलाया? क्या हो रहा है यहाँ पर बता ना। अबे उसका एक्सीडेंट हुआ, मैंने कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया है तभी तो नहीं किया, लेकिन अभी करूँगा। Bobby, please. Ah!
कैसी है? बॉबी, जिंदगी ऐसे कैसे चलेगी बताओ? हाँ? शुरुआत उन लोगों ने की थी, मेरा कोई कसूर नहीं है। लगा रहता है तुम्हें कुछ हो ना जाए। तुमने हम सब की हालत देखी है, बाहर सब खड़े हैं, तुम्हारे पेरेंट्स, तुम्हारे दोस्त और सब लोग तुम्हारी फिक्र कर रहे हैं, तुम्हें पता भी है। और आखिर क्यों? हाँ, हमें इतना दुखी क्यों कर रहे हो बॉबी? किस वजह से तुम ये सब कर रहे हो? तुम्हें कोई हक नहीं है कि तुम हमें इस तरह तकलीफ पहुंचाओ। तो क्या करूं मैं बता? सामने कुछ गलत होता रहे तो भी चुपचाप बैठूं? और वैसे भी तुझे तो अपनी पड़ी रहती है, मेरी अच्छाई मेरी नेकी वो सब कभी नजर आई है तुझे? सिर्फ बुराई दिखती है ना। हे लिली, लिली देख मेरी बात सुन। समझ गया, हॉस्पिटल है। मेरे को मत सिखा, दिख रहा है मुझे सटक गई है इसकी। तू चल यहाँ से। ए, तेरे को जाना, तू जा, उसको की लेके जा रहा, चल निकल। बॉबी, बॉबी, तू इतने दिन से कोई लफड़ा किया था क्या मैं? इतने दिनों से मतलब हाँ? कितने दिनों की बात कर रहे हो तुम? बात तो हमेशा की हुई थी ना। इस तरह डर डर के मैं कैसे जी पाऊंगी बताओ? मुझसे अब और ज्यादा सहन नहीं होता। इसको लेके जवाब में बात करेंगे। बाद में नहीं, अभी बात। ए, लेके जा इसको, जल्दी चल। लिली, तुम चलो यहाँ से, पागल हो गया? नहीं सुने, मुझे अभी बात करनी है। या तो तुम ये सब बंद करोगे या तो तुम मुझे छोड़ दोगे। क्या चाहते हो तुम? बॉबी, अगर मैं चली गई तो मैं तुम्हारे बिना कभी खुश नहीं रह पाऊंगी, पर कम से कम मैं सुकून से तो रहूंगी। बॉबी चलो, ये क्या कर रहा है? अरे अरे, कहाँ लेके जा रहा है इसे? क्या हो ये मार्टिन, क्या हो? बॉबी क्या कर रहा है, लेके जा रहा है? बॉबी बोलो, ये क्या हुआ? क्या तू चल 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 बॉबी, हुआ क्या बता तो सही, बता ना हुआ क्या। निकल जा, तू भी निकल इधर से। क्या मसला है यार? सही कहते हैं, गुस्से में दिमाग काम करना बंद कर देता है। उसी गुस्से में उस दिन मैंने उसे जाने को तो कह दिया, पर ये नहीं सोचा कि अगर वो कभी लौटी नहीं तो मेरा क्या होगा। मेरा डर सही निकला, वो अब मुझसे मिलना भी नहीं चाहती, मेरा चेहरा भी नहीं देखना चाहती। उसके बिना ये जिंदगी जहन्नुम लगने लगी है। वो जब मेरी जिंदगी में आई तो सब कुछ बदल गया, और जब वो गई तो सब कुछ उजड़ गया। काश हम आज भी साथ ही होते। ले ले, पहले बताओ तुम मेरे लिए इतनी दूर क्यों आए? बाय। सांसें तो चल रही हैं, पर जिंदगी जीने के लिए तरस रहा हूं, क्योंकि अब इसमें तुम नहीं हो। ना तुम्हें देख सकता हूं, ना तुम्हें छू सकता हूं, बस तुम्हारी यादों में तड़पता रहूंगा, घटता रहूंगा।
लेली, तुम्हें भुलाना नामुमकिन है, पर फिर भी पूरी कोशिश करूंगा। साल से ऊपर हो गए तुझे देखे, ये बता घर कब आएगा बेटा? तेरे दादाजी भी गुजर गए, उनकी बरसी है, अब तो लौटा। दादाजी का सिर्फ शरीर इस दुनिया से गया, पर वो आज भी मुझ में जिंदा है। कॉमरेड वो शख्स होता है जो आवाम की आजादी, उनकी खुशी और हक के लिए लड़ता है, लेकिन तुम में वो जज्बा नहीं है। इस सब के लिए कुर्बानी देनी पड़ती है, सबकी रहनुमाई करनी पड़ती है। इन बंद कमरों में तुम्हें कोई जवाब नहीं मिलेगा। किसी भी मकसद को पाने के लिए पहले खुद को सब बंधनों से आजाद कराना पड़ता है। जब तुम सच्चे कॉमरेड बन जाओगे, तुम्हें अपनी हर बात का जवाब मिल जाएगा। मंजिल कितनी भी दूर क्यों ना हो, रास्ते खुद ब खुद बन जाते हैं। कदम कदम पे तुम्हारा इम्तिहान हो सकता है, लेकिन अपने हौसले बुलंद रखना। आपने जो कहा वो सब कुछ सच था दादाजी। ये रास्ते, ये नदियाँ, ये हवाएं, ये मिट्टी, सब मुझे अपनी बातें बताते रहते हैं। 2 साल हो गए, इनमें हजारों किलोमीटर का सफर तय किया और तरह तरह के लोगों से मिला। एक जगह से दूसरी जगह जाने में जितने लोग मिलते हैं, उतनी कहानियां सुनने को मिलती है। हर जगह नया सीखने को मिलता है। कुदरत से निकलता हुआ हर सांस मुझे अंदर तक सुकून पहुंचाता है। मुझे पता चल गया है कि मैं क्या करना चाहता हूं, अपनी जिंदगी का मकसद समझ गया हूं। सन्नाटे की गूंज जब मेरे कानों में जाती है, तो मेरी जिंदगी में जो मायूसी के बादल हैं वो छट जाते हैं। मैं खुशकिस्मत हूं कि मुझे ऐसा काम मिला। कमाल लग रहे हो बॉबी। दोस्तों जरा यहाँ तो देखो। अब ऐसे ही रहा करो ना, उदास चेहरा क्यों बना के रखते हो? एक नंबर लग रहे हो। मेरा असली नाम चैतन्य है और ये इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ साउंड हीलिंग के स्टूडेंट्स हैं और हम यहाँ एक प्रोजेक्ट पे काम करने आए हैं। अरे बॉबी, तुम्हें कहाँ ढूंढ रहा था। बॉबी तुम यहाँ पर हो? डॉक्टर ने हमें अपॉइंटमेंट दे दी है मिलने के लिए, हमें कल ही हैदराबाद जाना होगा। मिस्टर हितेश। हेलो मैम। हाय। हमें डॉक्टर सुमित से मिलना है। डॉक्टर अभी चेकअप के लिए गए हैं, टाइम लगेगा, आप इंतजार कीजिए। हम इंतजार कर लेंगे। ओके। बिजी है, वेट करने को बोला है। हाँ वही तो, डॉक्टर्स ने यही कहा है। बाकी आप टेंशन मत लो। हाँ अभी आराम कर रही है। ठीक है, मैं बाद में बात करती हूँ। बॉबी आ जाओ। मैं तो सोच भी नहीं सकती कि तुम मुझे यहाँ मिलोगे। कितने सालों बाद मुलाकात हो रही है, तुम तो अलग लग रहे हो। पर तुम तो बिल्कुल भी नहीं बदले। अकेली आई हो, सब ठीक? नहीं नहीं, शशांक है ना साथ। अच्छा आ जाओ। हाय। अरे इंडिया का महीने हो चुके आके, और तुम अब आ रहे हो मैं मिलने? मिलने नहीं आया हूँ, बाय चांस मिल गया। चलो इतने दिनों से कहाँ थे हम?
हम सबको भूल गए थे। माँ ने बोला 3 सालों तक घर ही नहीं आया तुम, ऐसा क्यों किया तुमने? अब बोलो भी। कॉफी पीने का मन, तुम लोग बातें करो, मैं कॉफी लेकर बस अभी आया। थैंक्स। चल दोस्त, 3 कॉफी देना। उसे देखने के लिए ही आए हो ना यहाँ? देखने किसे? मैं लिली की बात कर रही हूँ। लिली इधर है। तुम्हें उसके बारे में कुछ नहीं मालूम? क्या कर रही हो यहाँ? उसका एक्सीडेंट हुआ था, वो भी सिलेक्शन वाले दिन, इस वजह से उसका सिलेक्शन भी रुक गया और आज साइकेट्रिक वार्ड में है। डॉक्टर कहते हैं कि वो डिप्रेशन की शिकार है। क्या उससे मैं मिल सकता हूँ प्लीज? नहीं 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 नहीं, ये नहीं हो सकता। तुम जानती हो ये मेरे उसूल के खिलाफ है। डॉक्टर आप समझ नहीं रहे, मैं उसे ना। जया इन्हें बताओ कि मैं कौन हूँ। सुनो, तुम्हें नहीं पता कि उसकी हालत क्या है। लिली इस वक्त बहुत नाजुक दौर से गुजर रही है और वो बहुत टूट चुकी है। उससे मिलना मतलब उसकी जान को खतरे में डालना है, ये मुमकिन नहीं है। नहीं डॉक्टर, मुझे देखकर कौन सा उसे दौरा पड़ने वाला है, एक बार तो मिलने दो। जया इन्हें समझाइए, कल रात उसकी हालत बद से बदतर हो गई थी। कल रात वो भागने के चक्कर में सीढ़ियों से गिर गई थी। ये क्या कह रहे हैं आप? शशांक पापा को फोन लगाओ जल्दी। कोई डरने की बात तो नहीं है ना डॉक्टर? घबराने वाली कोई बात नहीं है, जरा सी मोच आई है। उनको भी इतला कर देना चाहिए ना। मैं उन्हें इतला कर चुका हूँ, फिक्र मत कीजिए। ओके, मुझे बहुत फिक्र हो रही है। आराम से बैठ जाओ, बैठो जाओ। प्लीज कुछ बताइए। फिक्र मत करो, वो ठीक हो जाएगी। मैं हूँ ना। माफ कीजिएगा। जिंदगी भी कितनी अजीब है, जो सोचा है वो छोड़ के बाकी सब कुछ हो जाता है और ये सबके साथ होता है। रो मत, सब ठीक हो जाएगा। सच ये तुम्हें जानवरों की तरह बांध के क्यों रखा है? मरीज को इस तरह बांध कर क्यों रखा है? मुझे कुछ नहीं सुना। क्यों बांधा इसे? दिमाग सही है? इसी वक्त इसके हाथ खोलो। मैंने कहा हाथ खोलो इसके। जया तुमने देखा इसके साथ क्या कर रहे हैं? ये दोबारा यहाँ ना आए। अंकल ये लोग लिली को इस तरह कैसे बांध सकते हैं? बॉबी इतना गुस्सा होने की जरूरत नहीं है। जनाब ये आपका क्या लगता है, कौन है ये? सॉरी डॉक्टर, मछली बाजार बना रखा है इसने। मैं शर्मिंदा हूँ, असल में ये दोनों दोस्त हैं। बॉबी हाँ ले जाइए इसे। बॉबी मेरी बात को गौर से सुनना, ट्रीटमेंट के बिना उसकी हालत और खराब हो सकती है और इसमें हमें कोई कोताही नहीं बरतनी है। जया तुम इसके साथ जाओ। अब तुम्हें तो बताने की जरूरत नहीं है कि वो क्रिकेट प्रेमी है और इस हादसे ने उसका सपना चूर कर दिया। तुम लोग वहीं पर रहो, मैं आता हूं। चले जाओ। अरे अरे मैं डॉक्टर नहीं हूँ। नहीं नहीं मैं बॉबी, चिल्ला मत। मुझे खामोश खामोश खामोश। तू फिक्र मत कर, मैं तुझे यहाँ से ले जाऊंगा। चल ले, ये देख देख मैं हूँ बॉबी, देख ना मुझे पहचानती है ना। मैं यहाँ से तुझे ले जाऊंगा ठीक है? उससे पहले ये ले,
ये कहा मुंह मीठा कर, घबरा मत, कुछ नहीं होगा, मैं हूं तेरे साथ। चल चल जल्दी कर, आराम से आराम से। ए, ए, रुक। ए, कहाँ भाग रहा है? रुक। क्या बात कर रहे हो? बताइए तो सही। दो गाली चाहिए। अभी देता हूँ। का वक्त हो गया। अरे रो क्यों रही हो? वहां पानी बहरा काफी नहीं है क्या? ये लो दवा दारू साथ में। लगता है बदल गए हो। बदल गया हूँ मतलब अच्छे के लिए या पहले से बदतर हो गया हूँ? पहले वाले बॉबी से अलग हो। ये वाला ज्यादा अच्छा लगा। हाय, खुली हवा में जीने का मजा अलग है। हम शहर वाले इससे हमेशा महरूम रहते हैं। बाय बाय। चलो फिर निकलते हैं। हे दीदी, चलो 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 चलो। हाय, फोन करके बताना चाहिए था ना? वो कहीं नेटवर्क नहीं मिला। चलो तुम अब अंदर जाओ। ठीक हो ना? रुक क्यों गए, अंदर जाना। लिली इतने दिनों से कहाँ गायब थी, अब आ गई ना। हाय अंकल। बदतमीज, यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? तेरी वजह से मेरी बेटी लिली आज इस हालत में है। निकल बाहर, दोबारा अपनी मनहूस शक्ल में दिखाना। इडियट, दबाओ जाना। बॉबी की वजह से मैं आज बिल्कुल ठीक हो गई हूँ, देखिए क्यों बरस रहे हैं उस पे। बॉबी इनके बाद दिल पे मत लेना बेटा, इसको भी जंगल ले जाना पड़ेगा। दोबारा यहाँ दिखना नहीं चाहिए। उसी की वजह से आज आपकी बेटी घर आई है और आप उस पे नाराज हो रहे हैं। प्लीज आप अंदर चले जाइए। आंटी बहुत देर से लगी हुई है, मैं बाथरूम यूज कर सकता हूँ क्या? हाँ बिल्कुल बेटा। सॉरी,
अरे खा ना, तू शर्मा क्यों रहा है? तो एक दिन में मोटा करोगे? ए बॉबी, मैंने सुना तू कमाल का जादूगर है, तूने लिली को ठीक कर दिया है, तो मुझे भी ठीक कर देना, मेरे घुटनों में बहुत दर्द है। ठीक है दादी, अब खाने भी दीजिए माँ जी, बातें तो होती ही रहेंगी। मैंने च्यवनप्राश दे दिया है बेटा। हाँ, रोज खाना मत भूलना, संभल कर जाना। अरे डॉक्टर कैसे हो? अगर तुम दोबारा अस्पताल के आसपास नजर आए ना, तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। सॉरी, मैं जानता हूँ जो हुआ वो गलत हुआ, पर देखिए ना, लिली बिल्कुल ठीक हो चुकी है। बल्कि मैं तो बोलता हूँ आपको हॉस्पिटल में भी साउंड थेरेपी शुरू करनी चाहिए। तुम्हें वो नॉर्मल लगती है? तुम्हें लगता है उसकी हालत जल्दी ठीक हो जाएगी? वो बाहर से खुश लगती है लेकिन अंदर से बहुत टूटी हुई है। ये टेम्पररी डाइवर्जन है, वो अभी तुम्हारी वजह से। बॉबी, हाँ? कहाँ जा रहे हो? यहाँ रोकना मना नहीं है। अरे डॉक्टर फिर आ गया। जब कभी भी तुम्हारा दिल मायूस होने लगे, या अकेलापन खाने लगे, या किसी की बहुत याद आए, तब इसे सुन लेना। मैं भी इसे ही सुन के ठीक हुआ हूँ, संभाल के रखना। रामबाण इलाज इसकी जरूरत नहीं है, तुमने मुझे ठीक कर दिया है, अब यहाँ से जाओ मत। यहाँ नहीं रुक सकता, बगल में मेरा दोस्त है, वहां पर रुकता हूँ। कब मिलोगे? देखते। बाय। सोचा नहीं था कि वो दोबारा मिलेगा, पर वो अचानक मेरी जिंदगी में फिर से आया। अच्छा, ऐसी बात है क्या? सोचती हूँ कि जल्दी क्यों नहीं आया। ऐसा क्या? हाँ वही तो। फिर से कांच तोड़ दिया, समझ में नहीं आता तुम लोगों को। आंटी प्लीज बॉल दे। हर रोज गेंद मार के तुम ये कांच तोड़ देते हो, अब कौन भरेगा इसके पैसे? पता है कितना कीमती था? आंटी दे दो ना। करो, बच्चे ही तो हैं। आंटी प्लीज प्लीज आंटी, हमारी बॉल दे दो आंटी। दीदी बॉल दे दो ना प्लीज। दीदी सॉरी। दीदी दीदी प्लीज। ये क्या है? ये क्या है? अरे ये क्या है? अच्छा सुन, प्रैक्टिस कहाँ करता है तू? सेंट जॉन्स दीदी। थैंक यू दीदी। क्या बात है, एसएस की बैट। अरे तुम्हारे पास ही आ रहा था। बैठो, राउंड दिला खिलाता हूँ। चलो बैठो। अब चले? हाँ। तुम तो जानती हो ये प्रोजेक्ट हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। हाँ। तुम्हारा जो एक्सपीरियंस है, अगर तुम वो शेयर करोगी तो हमारी बहुत मदद हो जाएगी। हाँ जरूर, क्यों नहीं, तुम जो चाहते हो बोल दूंगी। वो स्क्रिप्ट है लिली, ये लो तुम्हारी स्क्रिप्ट। ऑल द बेस्ट। आराम से पढ़ो। अच्छा लिली, लाइंस को जरा फील के साथ पढ़ना, ठीक है? तुम्हारी कहानी की तरह ना। हाँ किया। डियर कॉमरेड, पहली बार प्यार का एहसास हुआ। हाँ समझो वैसे ही, पर ज्यादा ओवर एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है। हाय, मेरा नाम लिली है। एक एक्सीडेंट की वजह से मुझे काफी वक्त तक डिप्रेशन हो गया था, और उस दौरान मेरी माँ को अपनी दो चूड़ियाँ बेचनी पड़ी। बॉबी, ये सब क्या उल्टा सीधा लिखा है इसमें? अबे ये सब क्या लिख रहा है तू, कोई रियलिटी शो है क्या ये? वो तो थोड़े जज्बात डालने के लिए किया था। पर झूठे जज्बात क्यों? बॉबी मैं खुद ही बोल देती हूँ। पक्का तुम बोल लोगी ना? हाँ हाँ। ठीक है तो फिर हटाओ इस बकवास को। ओके। एक्शन। हाय,
मेरा नाम लिली है। कुछ वक्त से मैं डिप्रेशन से गुजर रही हूँ। हॉस्पिटलाइजेशन, दवाइयाँ, कुछ भी मेरी मदद नहीं कर पाई। लेकिन फाइनली मेरी मुलाकात इन लोगों से हुई। नेचर हर चीज़ को क्योर कर सकता है। इनकी साउंड वेव ट्रीटमेंट मेरे बहुत ही काम आई और मैं ठीक हो गई। सो बॉबी, तुम्हारा और तुम्हारी टीम का बहुत बहुत शुक्रिया। यस यस, वाह क्या बात है, इसने तो कमाल कर दिया। बाय बॉबी। कैसा लगा तुम्हें? अरे जबरदस्त था। तुम खुश हो ना? जरूरत से ज्यादा। तुम्हारे इस वीडियो को देखकर कोई भी कंपनी कभी रिजेक्ट नहीं करेगी, दोनों हाथों से फंड देगी। जान के अच्छा लगा। तुमने कहा था तुम्हें कुछ बताना है। बताना है? हाँ बॉबी, अच्छी खबर है, कल सुबह 10 बजे की फ्लाइट है, तैयार हो जाऊंगा। मुझे 8 बजे फोन करके उठा देना। ओके। तुम लोग यहाँ से जा रहे हो? हाँ, ये वीडियो बनाए ना हमें दिखाने के लिए। तुम्हारा भी जाना जरूरी है। अरे अगर मैं ही नहीं जाऊंगा तो पता नहीं ये लोग क्या गुल खिला कर आ जाएंगे। अगर आज तुम मेरी मदद नहीं करती तो मेरा जाना कैंसिल हो जाता। सिर्फ इतना ही काम था? ठीक है, तो मुझे घर छोड़ दो। ताकि तुम्हारे पापा के हाथों से फिर लाफे खाऊं। तुम्हारा परिवार बहुत अच्छा है, वो हर हाल में तुम्हें सपोर्ट करना चाहते हैं। उनका ध्यान रखो, अपनी ट्रेनिंग पे ध्यान दो, ये सब चीजें तो चलती रहती हैं, है ना? सही कहा ना? मुझे लगता है मुझे चलना चाहिए, मैं जाती हूँ। फोन से टच में रहूंगा तुम्हारे साथ। ठीक है बॉबी। तुझे कोई मिलने आया है? कौन? बोल रहा है कॉमरेड्स है। क्या कर रहे हो? उठा उठा, हम लोग छोड़ के जाएगा, जाएगा छोड़ के। नहीं नहीं नहीं, लैपटॉप को क्यों? मेरा लैपटॉप नहीं। ओके। अरे नहीं, सॉरी यार, रुक जाओ, बात तो करने दो। अरे रुको कॉमरेड्स, ये अपना रखो, ये है दिनेश है और इसको मार्टिन बोलते हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं। हाय, मैं शादी करने वाला हूँ और मेरी शादी तक ये मेरे साथ ही रहेगा, अब तुम लोग रास्ता नापो। शादी कर रहा? छोटू तो कब से बोल रहा है कि तू आने वाला है, तू तो ईद का चांद हो गया। काम में इतना उलझा हुआ था कि वक्त ही नहीं मिला। लीली ने ही बताया कि तू यहाँ पर है। तो लीली मिली थी तुम लोग से? हाँ वही कह रही थी, तुम लोग अब भी साथ में हो? ऐसी कोई बात नहीं है, इत्तफाकन हम लोग मिल गए थे और तब उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, अब तो हालत काफी सुधर गई है, पर कुछ हफ्ते पहले उसकी हालत देखी नहीं जा रही थी। मैं तो डर ही गया था, भारी डिप्रेशन हो गया था उसे। एक बार उसकी लाइफ ट्रैक पे आ जाए, वो फिर से क्रिकेट की ट्रेनिंग वेनिंग करना शुरू कर दे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, मुझे भी तसल्ली हो जाएगी। इतने बड़े घर में भी अंदर पार्किंग नहीं देगा इसको। क्या तुझे हमारी जरा भी याद नहीं आई? भैया इतने सालों बाद। कैसी है? ठीक है। मैं अच्छी हूँ, तुम कैसे हो? पढ़ाई ठीक चल रही है? हाँ बिल्कुल। वो आपको कर... पापा, जब से तुम यहाँ से गए हो ये घर सुना हो गया है, हम तो बस ऐसे ही जी रहे हैं। तुम बता रहे थे तुम किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, कैसा चल रहा है? सब सही है, पैसे ठीक ठाक मिलते हैं, फिजूल खर्ची मत करना, सेविंग भी करना, ठीक है, अपने फ्यूचर के लिए। हो सकता है जब तक तुम लौट कर आओ तब तक वक्त बदल चुका हो,
शायद मैं ना रहा हूं, पर मेरा यकीन मानो, उस वक्त तुम पूरी तरह से बदल चुके होगे। बॉबी, हाय। लिली, तू कब आई? तुम साथ नहीं लाए इसलिए अकेले आना पड़ा। मुझे तो लगा तू सीधा रघु की शादी में जाने वाली है, इसलिए साथ में नहीं लेकर आया। एक बार पूछना तो चाहिए था, मुझे लिफ्ट मिल जाती तुम्हारा क्या जाता। अरे तुम कब आए लिली? इससे पूछिए मुझे छोड़ के आ गया। तुम आ जाओ, मिल के सजा देंगे, आ जाओ। हाँ तेरी तो, तू आ। माँ मुझे नींबू पानी चाहिए। ठीक है। याद है तुम्हें उस दिन बारिश में हम दोनों भीग गए थे यहाँ पे? हम भीग कर यहाँ ऊपर आए थे और यहाँ की छत टपक रही थी। याद नहीं है। तुम्हें हमने उसकी मरम्मत करा दी, काफी पुरानी जो हो गई थी। ये अचानक छत की बात कहाँ से याद आ गई? शरबत पी लो, उसके बाद बात करेंगे, ठीक है? जब ये तुम्हें अस्पताल से ले गया था, तुम्हारे पापा के बहुत से फोन आए, हम तो घबरा गए थे। पर हम खुश हैं कि अब तुम ठीक हो गई। बॉबी पूरे 3 साल के बाद घर लौटा है। तुम्हारे साथ तो 2 हफ्ते था ना? मुझसे एक वादा करोगी, इसे कहीं मत जाने देना, ठीक है? मेरी बात कहाँ सुनता है वो? क्या मतलब? वो बहुत बदल गया है। कितना खूबसूरत झरना है ना? वो अपनी मर्जी का मालिक है, मेरे रोकने से नहीं रोकेगा। क्या यार, तुम लोग तो मुझे भूल ही गए थे। अरे और क्या हाल है भाइयों? हाय, कैसे हो तुम लोग? ए आजा बाबे। अरे ये अरे ये ला नागर दिन ना। आओ ना। चलो सब लोग गले मिलो, छोड़ो पुरानी बातें। लिली हाय। रघु की शादी हो गई तो एक आराम हो गया, अब अपना भेजा नहीं खाएगा ये। शुक्रिया। अब रघु के बाद बकरा कौन बनेगा? अब तो बॉबी की बारी है। और लिली तेरा कल्याण कब होगा? अगले हफ्ते एक फैमिली आ रही है मुझे देखने के लिए। सही है यार। ये बॉबी तू भी दर्शन कर ले इसके होने वाले पति के। ओके करेगा तो ही करेगी। एक बार देख लेना कि कहीं वो भी फोन बूथ पर तेरी तरफ पागलों जैसा हंगामा मचाने वाला ना निकल जाए। बकवास मत कर। अरे वो बात नहीं है रे, बस ये पता करना है कि वो भी तेरी तरह इसके लिए रोने वाला ना हो। वो सच बोल रहे थे मेरे लिए रोए थे तुम? अरे छोड़ ना ये सब। अरे शर्मा क्यों रहे हो, रोए थे क्या? पर अब तुम पहले जैसे नहीं हो। तुम्हारा ये बदलाव मुझे बहुत अच्छा लगता है। तुम्हारा रास्ता, तुम्हारी मंजिल अब तुम्हें साफ दिखाई देती है। तुम्हारा गुस्सा तो अब नजर ही नहीं आता। ये बॉबी बड़ा कमाल का है। वादा करो इस बॉबी को हमेशा जिंदा रखोगे? करो ना, बैठो।
तुम भी क्रिकेट पर ध्यान देना शुरू करो। तुम्हारा भी तो एक सपना है ना, क्रिकेट में नाम कमाना, इंडिया के लिए खेलना है। जब तुम खेलोगी ना तो हम स्टेडियम में आकर चीयर लीडर्स बनकर तुम्हें चीयर करेंगे। बॉबी, क्रिकेट कब का छोड़ दिया, अब वो मेरा पास्ट है। तो फिर फ्यूचर क्या है? मेरा फ्यूचर तुम्ही से जुड़ा हुआ है। अब तुमसे दूर नहीं रह पाऊंगी। हमारी जिंदगी हम साथ में बिताएंगे और मेरे पेरेंट्स हमेशा सपोर्ट करते हैं, वो मान जाएंगे। लिली, ये कैसी बातें कर रही हो? क्रिकेट से बढ़कर तुम्हारे लिए कुछ नहीं था, उसकी जगह तुम्हारी जिंदगी में और कोई नहीं ले सकता। मुझे भी तुम इसलिए अच्छी लगी थी क्योंकि तुम क्रिकेट खेलती थी, याद है ना? क्रिकेट छोड़ दिया तो दुनिया खत्म तो नहीं होगी। मुझे अपनी खुशी के लिए सिर्फ तुम्हारी जरूरत है। एक हादसे की वजह से तुम्हें हिम्मत हारने की जरूरत नहीं है। और रही बात मेरी, तो मेरी तरफ से तो तुम बेफिक्री हो जाओ क्योंकि मैं हमेशा तुम्हारा साथ देता रहूंगा। आखिर मैं तुम्हारा कॉमरेड हूँ। मैं नहीं चाहता तुम अपने हुनर को इस तरह बर्बाद करो। मैं तुम्हें स्टेडियम में खेलता देखना चाहता हूँ। कब से तुम मेरे क्रिकेट करियर के बारे में ही बात किए जा रहे हो? अगर मैं क्रिकेट ना खेलूं तो क्या मुझसे प्यार नहीं करोगे, मुझसे शादी नहीं करोगे? ठीक है, चलो शादी कर लेते हैं, पर शादी की चक्की में पिसने के बाद तुम्हें सालों बाद एहसास हुआ कि तुम्हें क्रिकेट खेलना चाहिए था, तब क्या फिर से क्रिकेट खेलना शुरू कर पाओगी? ले ले, मुझे चलना चाहिए। वो बाहर से खुश लगती है लेकिन अंदर से बहुत टूटी हुई है। ये टेम्पररी डाइवर्जन है, वो अभी तुम्हारी वजह से है। रुबीना, सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। ठीक तो हो रुबीना? तुम यहाँ पे क्या? मैं यहाँ पर नौकरी करती हूँ। तुम तो क्रिकेटर थी ना, यहाँ सिलाई का काम कर? क्या हुआ क्या? अच्छा ये बताओ, लिली की क्या खबर है? वो ठीक तो है ना? हाँ लिली ठीक है। तुम उससे मिली नहीं क्या? मैं उससे बहुत अरसे से मिली नहीं। वो बहुत अच्छे दिल की है, प्लीज तुम उसका ख्याल रखना। लिली ने मुझसे कहा कि उसने क्रिकेट छोड़ दिया, तुम भी यहाँ पर आकर ये सिलाई वगैरह सीख रही हो, आखिर हो क्या रहा है? तुम सब इतना अच्छे प्लेयर हो कि ये सब क्या कर रहे हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आखिर माजरा क्या है? थैंक यू। Hello sir, good morning. Come on, Lily. Yes. Yay! And the player of the match goes to Miss Lily. We request our chairman, Mr. Ramesh Rao, to please hand over the trophy. बधाई हो, Lily, कल सबसे पहले तो मुझे ऑफिस में आके मिलना, मैं रहा देता हूँ, okay? Congrats. Bye bye. Bye. Yay! आपको खेलते हुए देखकर हमें बहुत ही मजा आया। अरसे के बाद इतना अच्छा खिलाड़ी देखा है हमने। अब आपके बारे में कुछ बताओ। आपके पिताजी क्या काम करते हैं? बैंक मैनेजर हैं सर।
ओह, सीधा साधा फैमिली, मतलब मिडिल क्लास, है ना? जी। बहुत अच्छे, हमें इसी की जरूरत थी। शुक्रिया सर। मेरा मतलब है, तुम में सुंदरता और स्पोर्ट्समैनशिप का गजब मिलाप है। मैं आप जैसे खिलाड़ी को ढूंढते ढूंढते पागल हो गया था, लेकिन मिल ही नहीं रही थी। हमें लगता है आज हमारी ये खोज खत्म हो गई है। लोगों को बेसब्री से इंतजार है हमारी अनाउंसमेंट का कि वो खिलाड़ी है कौन, और वो हो तुम। हमारी चुलबुली लिली, इंडियन नेशनल टीम की बेहतरीन खिलाड़ी। दिमाग में कुछ हो रहा है? होना चाहिए। यस सर। लेकिन उसके पहले हमें कुछ चीजें पूरी करनी पड़ेगी, ठीक है? बैठो बैठो, रिलैक्स। लेकिन अगर हम आपकी मदद करेंगे तो आपको भी हमारी मदद करनी पड़ेगी, समझे? अगर हम खेल की दुनिया की बात करें तो, अरे ये क्या हो गया? प्रैक्टिस में तुम्हारी उंगलियां कितनी हसीन हैं, और इन्हें, नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। ये मैं क्या कर सकता हूँ उंगली का? हाँ, समझ गया, अभी बताता हूँ। अगर हम एक रात साथ में गुजारे तो? सर, क्यों, क्या हुआ? इसमें कौन सी बड़ी बात है? आजकल कॉम्प्रोमाइज के बिना कुछ होता है क्या? और क्या फर्क पड़ता है? मैं तो आपकी जिंदगी बना रहा हूं, लेकिन तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी मदद के बिना नहीं बन सकती। वो एक वाहियात इंसान है, उसे पता है यहां तक पहुंचने के लिए हमने कितनी मेहनत की है। अब सुन, इस आदमी को हम ऐसे नहीं छोड़ेंगे, कंप्लेन करेंगे। चल, अब मेरे साथ चल एसोसिएशन में। नहीं, कंप्लेन नहीं कर सकते रुबीना। तू डर क्यों रही है? तू अकेली नहीं, तेरे साथ मैं भी हूँ। हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था बॉबी। लिली ने बार बार समझाया, क्रिकेट बिना उसकी जिंदगी अधूरी है, लेकिन वो समझे तो? Hey, बहुत मजा आया है ना? लिली कहाँ है? तू मेरी शिकायत करेगी? शिकायत? अरे थूकता हूँ मैं शिकायत पर। hey! नहीं। अरे तू इंसान है क्या? तेरी शामत आ चुकी है। क्या बकवास कर रही है? अब तो तेरी कंप्लेन भी हो चुकी है, मैंने ही की है, अब बोल। नहीं, तू मुझ पर चिल्लाई है? ए, तुम मेरा दिमाग मत चबाओ, समझी? क्यों? ये लेडीज वॉशरूम है, चली जा यहां से। तो तुमने शिकायत की मेरी? बताए कौन हूं मैं? ऐसा हासिल करूंगा इसका? नहीं सर, प्लीज, क्या हुआ? प्लीज सर, चल। तू तो दिमाग से जाती नहीं हमारे, लेकिन तूने इनकार कर दिया हमें। हाँ, देख, तेरा करियर बर्बाद करके रहेंगे हम। Thank you.
टूर्नामेंट के प्लान के मुताबिक क्या कर रहे हो? गलत इस्तेमाल करता तू। अरे तुमने तो हमारा सर ही फोड़ दिया। अरे कौन हो तुम? क्या कर रहे हो यहाँ पर? हो कौन तुम? क्या चाहते हो? टीम में एंट्री चाहिए क्या? अपने ही प्लेयर्स पर पूरी नजर डालता है। नजदीक नहीं आना, सहन नहीं कर पाऊंगा मैं। नियत कभी खराब नहीं होगी। वो खेलेगी, देखता हूँ कौन रोकता है। लड़कियों को अपने बाप की जागीर समझता है। अब यही लड़कियां तेरी बैंड बजाएंगी। क्या सोचा था अपनी मनमानी करता रहेगा और कोई कुछ नहीं बोलेगा? लिली पे तूने हाथ डाला था ना, अब तो गया। वो अकेली नहीं है, उसके कॉमरेड्स उसके साथ हैं। मुझे माफ कर देना लिली। सॉरी। इट्स ओके, बस चुप हो जाओ, ठीक है? हाँ मेरे साथ। अरे लेकिन कहाँ? रुको, कौन है तुम लोग? हमें कंप्लेंट लिखानी है। काहे की कंप्लेंट? क्रिकेट एसोसिएशन में तोड़फोड़ हुई है। चेयरमैन राव ने लिली नाम की लड़की के साथ बदतमीजी की है। ए रुक, फाइल लेकर अंदर कहां दाखिल हो रहा है? आखिर बात क्या है, बिना पूछे अंदर कैसे आ गए? क्रिकेट एसोसिएशन के चेयरमैन रमेश राव को 10 लोगों ने मारा है। साहब हमें ऐसी कोई कंप्लेंट नहीं मिली है। जब कंप्लेंट ही नहीं मिली तो फिर मारा किसने? हमें जो करना था हमने कर दिया, अब आपको जो करना चाहिए वो आप करिए। चेयरमैन रमेश राव ने अपने ओहदे का बहुत गलत फायदा उठाया और लिली नाम के प्लेयर के साथ बदसलूकी की और भी प्लेयर्स को हैरस किया। वो बेटियों का जीना हराम कर रहा है। सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्कप्लेस के एक्ट में दफा 354 और दफा 376 के तहत उसे गिरफ्तार कीजिए, वरना हम यहाँ से नहीं जाएंगे। चल लिली साइन कर। बॉबी ये सब छोड़ो प्लीज, यहाँ से चलते हैं। डर मत, चल साइन कर। लिली अंकल सुनिए, क्या चाहता है तू? किसकी इजाजत से तू इसको यहाँ लेकर आया? अंकल आप सच्चाई नहीं जानते, लिली का नेशनल्स में ना सिलेक्ट होने की वजह कोई एक्सीडेंट नहीं था बल्कि उस चेयरमैन रमेश। मैं जानता हूं, मेरे कहने पर इसने ये सब किया है। हमें हमारी इज्जत की बहुत ज्यादा परवाह है, तुम्हें इसमें दखल देने की जरूरत नहीं है, हमें अकेला छोड़ दो। छी, कैसे बाप हो? बेटी के साथ ऐसा और आपका खून नहीं खौला? बात तो करने दीजिए। लिली तो समझाई नहीं? इससे बात मत करना। जिस दिन मैं लिली को घर पर लाया था उस दिन आपने तो मुझे लाफा मार दिया, और आज वही गुस्सा उस चेयरमैन पर क्यों नहीं निकाल रहे हैं आप? तुम इसे बॉबी डर रहे हो उसे? अपनी बेटी के हक के लिए लड़ने से डर रहे आप? ये सब करके आपको मिलेगा क्या? झूठी इज्जत,
और हर सुबह जब इसका चेहरा देखोगे तब बस चुप हो जाओ। लिली चलो यहाँ से। लिली तू आ मेरे साथ। बॉबी चलो यहाँ से। प्लीज लिली तू इसकी बात पर गौर मत करो। डरपोक मत बन। पापा आप चलिए मैं भी आती हूँ। मैं बाहर इंतजार करता। वो चेयरमैन ने जो खिलौना काम किया उससे भी ज्यादा तुम्हारा बाप। बॉबी शट अप। तुम्हारे इसी बर्ताव की वजह से मैं परेशान हो चुकी हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम सच की लड़ाई लड़ना चाहते हो पर किस कीमत पर। बोलो क्या कर रहे हो। लिली बात को समझो। वो लिली कहाँ गई जो एक वक्त पे 11 लड़कों की टीम के सामने डट के खड़ी हो गई थी। बिल्कुल नहीं डरी थी सर। वो घबरा गई है। उसी लिली को वापस आना होगा। अरे मैं दोस्तों से फख्र से कहता था कि देखो लिली कितनी हिम्मत वाली है और अब तुम एक बुजदिल इंसान की तरह अपनी सच्चाई से दूर भागना चाहती हो। शायद मुझसे ही गलती हो गई। मुझे लगा तुम बदल गए हो पर तुम वैसे ही हो। लिली तब मैं बिना मकसद के लड़ता था पर आज हमारे पास एक मकसद है। हम इस तरह नाइंसाफी नहीं सह सकते। उन्हें दिखाना होगा कि कॉमरेड क्या होते हैं। कुसुर-बुसुर चल रही है। चलो निकले यहाँ से। चाटा पड़ेगा। निकले यहाँ से। सर ये क्या तरीका। उसे जेल में नहीं डाला तो हम लोग उसे छोड़ेंगे नहीं समझा। वो कह रहा है चल निकल। लिली लिली सुन। मेरा हाथ छोड़ो। डोंट टच मी। क्या मैंने तुम्हारे पास कोई मदद मांगी थी तो क्यों चले आए। सबके सब मतलबी। रमेश राव को मेरा जिस्म चाहिए। पापा को फैमिली की इज्जत और तुम्हें चाहिए कि मैं तुम्हारी तरह सबसे लड़ूं। पर मैं क्या चाहती हूँ इसकी किसी को परवाह नहीं। मैं दूसरों की मनमर्जी के हिसाब से क्यों जीऊं। मुझे वो करने दो जो जो मैं चाहती हूँ। बोल क्या चाहती है। अरे बोलना क्या चाहती है तू। मुझे अपने बाप को समाज को सबको छोड़ना। तू बोल क्या चाहती है। अगर तुझे मालूम है क्या चाहिए तो बोलना। इस तरह मुंह छुपा के भाग क्यों रही है। हिम्मत कर और मुंह खोल के बोल। वो शख्स गर्लफ्रेंड को साथ लाया और शिकायत दर्ज करा दी तेरी। तेरे फ्यूचर की तो ऐसी की तैसी हो गई बैड मैन। अरे वो हमारे ऑफिस में आके हमें धोखे गया। उसे गिरफ्तार करने के बजाय तो हम पर ही चिल्ला रहा है। हाँ तो क्या करूं। प्यार भरी बातें करूं। लड़की देखी नहीं कि लार टपकाना शुरू कर देता है। इस केस को तू हल्के में मत ले। अगर लड़की का इल्जाम सही साबित हो गया ना तो जेल में जाके पत्थर तोड़ना। येड़ा हो गया। तू मेरा दोस्त है कि उसका। अरे तू पुलिस है ना। गिरफ्तार कर ले उसे। ठोक दे उसे। वो फिर दिखना नहीं चाहिए। एनकाउंटर कर दे उसका। लिली ये तूने क्या किया। हाँ आखिर तू ऐसे कैसे शादी के लिए हाँ कर सकती है। कुछ तो सोचा होता लिली तूने। जिंदगी ऐसे दांव पर नहीं लगाई जाती है। तुम लोग मुझे शांति से जीने दोगे। बॉबी से झगड़ा हुआ क्या। सच बता तू। बॉबी वैसा का वैसा ही है। उसमें कोई बदलाव नहीं है। मुझे तो लगता है कि वो मुझसे प्यार भी नहीं करता। उसे सिर्फ मेरी दया आती है। मेरी मदद करना चाहता है। मुझ पर मेहरबानी करना चाहता है। मुझ पर एहसान करना चाहता है। क्या बकरी है। किसी और से शादी करके खुश रहेगी। एक तो क्रिकेट भी छोड़ दिया जो तेरी तमन्ना थी और वो जो भी कर रहा है तेरी भलाई के लिए कर रहा है। पापा को ना बोल दे। लिली लिली लीजिए ना। अरे लीजिए ना। लिली ने खास तौर पर बनाया है। ये खाना बनाना उसे बेहद पसंद है। बेटा तुम भी खाओ। ये यहाँ अब ये क्या नया नाटक है। तो मुसीबतों का इलाज शादी ढूंढा है। क्या चाहिए तुम्हें। यहाँ से चले जाओ। लिली तू लड़ सकती है। डर मत। मैं हूं ना तेरे साथ। हम उसे सजा दिला कर रहेंगे। तू बस कमेटी के सामने उसकी पोल खोल दे। लिली अपना हक छीन के लेना पड़ता है। मैं हूं ना तेरा साथ देने के लिए। देख लिली देख क्या बन गई है तू। लिली ये तेरी असलियत नहीं है। घुट घुट के कैद की जिंदगी जीने वाली लड़की नहीं है तू। तू जितना अपने जख्मों को छुपाएगी वो नासूर बनके तुझे और तकलीफ देंगे। तुझे फिर पहली वाली लिली बनना होगा।
जिससे मैं प्यार करता था। 3 साल बीत गए हैं बॉबी, तुम जिस लिली की बात कर रहे हो वो अब वापस नहीं आ सकती। मैंने शादी के लिए हाँ की क्योंकि वो इस लिली को अपनाना चाहता है, मेरे साथ अपना भविष्य देखता है। तुम अब मुझसे प्यार नहीं करते, मुझे भी तुम्हें बुलाना ही होगा। क्या मसला है? उन 3 सालों में ऐसा कोई पल नहीं गया जब मैंने तुम्हें याद ना किया हो लिली। हर वक्त तो मेरे जहन में थी। दर दर भटकता रहा पर तुम्हारी यादें मुझे छोड़ के कभी नहीं गईं। अकेलापन दूर करने की लाख कोशिश की बेटा, तुम ऊपर वाले पर भरोसा रखो, तुम्हारी सारी तकलीफें दूर हो जाएंगी। खारदुंगला पास 17,982 फीट ऊंचा, हाईएस्ट मोटरेबल रोड इन द वर्ल्ड। उस ऊंचाई पर भी तुम्हारी याद आ रही थी। का वक्त है, शायद तुम स्टेडियम में क्रिकेट खेल रही होगी। मेरी भी ये ख्वाहिश है कि जब तुम खेलो तो दूर स्टेडियम में खड़े होकर मैं तुम्हें खेलता हुआ देखूं। ओके, थैंक यू। दिली, लड़के वालों को फोन आया था, वो लोग जल्दी शादी करना चाहते हैं। उनका कहना है कि इसी महीने में मुहूर्त निकलवा दिया जाए। मैं भी इसे ही सुनकर ठीक हुआ। में चल रहा है, पता नहीं यहां से लौटूंगा या नहीं, पर एक बार तो मैं देखना चाहता हूं। पर सब किया भी तो मैंने। अगर मैं उस दिन तुम्हारी बात मान लेता, तुम्हारे साथ ज्यादती नहीं करता, तो आज अकेले भटक ना रहा होता। लिली बेटा, ये लो और जाओ अंकल को दे दो। ये लो। आज एक छोटी बच्ची से मिला, बिल्कुल तुम्हारी तरह थी, वैसे ही बदमाश, छोटी सी चोटी डाल के उसे छोड़ने का मन ही नहीं कर रहा था। पूरा दिन मेरे साथ ही थी, स्कूल की भी छुट्टी कर ली। सबसे बड़ी बात पता उसका नाम क्या था? लिली। आज 2 साल हो चुके हैं तुमसे दूर हुए। गलत फहमी थी कि तुम्हें भूल जाऊंगा, पर नहीं भूल पाया। तू एक बार इसे समझा तो सही। वो तो किसी की सुनती ही नहीं, बिना बताए उसे कैसे पता चलेगा।
तो करनी पड़ेगी ना उससे। और एक बदसलूकी महिला क्रिकेटर के साथ आरोप है चीफ सिलेक्टर के ऊपर सेक्सुअल हैरेसमेंट का। आरोप लगाने वाली कोई और नहीं मिस लिली है, जो एक उम्दा खिलाड़ी है, लेकिन चीफ सिलेक्टर रमेश राव के कहने के मुताबिक ये आरोप सरासर बेबुनियाद है। उनका ये भी कहना है कि मिस लिली उनको फर्जी आरोप में फंसा रही हैं। हमारे पास एक एक्सक्लूसिव वीडियो है, आइए देखिए किस तरह लिली के बॉयफ्रेंड बॉबी ने चीफ सिलेक्टर के ऑफिस में जाकर हंगामा खड़ा किया। इस वक्त हमारे साथ रमेश राव फोन लाइन पर मौजूद है। मिस्टर रमेश राव, ये जो इल्जाम आप पर लगाए गए हैं, इस पर आपका क्या कहना है, सब जानना चाहते हैं। टीम में जगह पाने के लिए लोग कुछ भी करते हैं। हमें लग रहा था कि वो बेहतरीन खिलाड़ी है, लेकिन वो थी नहीं। असल में उसके इंटरेस्ट कुछ और ही हैं। हमें लगा कि ऐसी खिलाड़ी को टीम में रखना टीम को नुकसान पहुंचा सकता है, तो हटाना पड़ा। इसलिए ये केस बेबुनियाद है। ए, चलो। ए, चल, पुलिस वाला। ए, साथ चल रहे हैं। चल। ऐसे कैसे निकल रहे? आज शहर में सेक्सुअल हैरेसमेंट केस को लेकर हंगामा हुआ, जिसमें वेलफेयर एसोसिएशन ने महिला क्रिकेटर के बचाव में मोर्चा निकाला। हमें सबसे पहले इनके खिलाफ सख्त से सख्त कानून लाना चाहिए, तभी ये वाहियात लोग सुधरेंगे। फिलहाल हम लिली के घर के बाहर खड़े हैं, लेकिन इस वक्त वो हमसे बात करने से इनकार कर रही हैं। क्या ये समझा जाए कि मिस लिली ने जानबूझकर रमेश राव पर इल्जाम लगाने के लिए ये किया? कि मिस लिली ने रमेश राव को फंसाने के लिए बॉबी का सहारा लिया? हमने हमेशा से देखा है लिली के नेट प्रैक्टिस के दौरान बॉबी अक्सर उसके साथ आया करता था। एक्चुअली लिली हमारी कैप्टन रह चुकी है, वो बहुत ही उम्दा खिलाड़ी है, लेकिन रमेश राव पे इल्जाम लगाना सही नहीं है। ये केस जितना आसान है उससे कहीं ज्यादा पेचीदा। इस मामले में अब आगे क्या होगा ये जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। राहुल, आप तो सब कुछ जानते हैं सर। देखिए, इलेक्शन पर ये सब होता ही रहता है। ऐसी हरकतें क्यों करते हो कि तुम्हारा नाम आता है? सर, हम इतने बुरे कैसे हो सकते हैं? सर देखिए, मैं बिल्कुल बेकसूर हूँ। मैं चंपक कमेटी बिठा रहा हूँ, बी रेडी फॉर दैट। सर सर प्लीज ऐसे मत कीजिए। सुनिए सर, सर हेलो। रमेश राव और लिली को बीसीसीआई की तरफ से नोटिस भेजा गया है, उन्हें जल्द से जल्द कमेटी के सामने हाजिर होना होगा, और अगर वो कमेटी के सामने हाजिर नहीं होते हैं तो उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई। ये कोर्ट का नोटिस है, बीसीसीआई कमेटी में पेश होना है तुम्हें। देखा ना कितना आसान है, फिर क्यों इतनी मगजमारी करने का? अबे तेरी बहुत होशियारी दिखा रहा है। अबे तू तो जाएगा, साथ में तेरी माशुका भी जाएगी जेल के अंदर। जैसा बोलता हूं वैसा कर, नहीं तो अपने दोस्त से भी हाथ धो बैठेगा। बहुत हो गया, साइन कर कर बे। ये जो डराने का नाटक कर रहा है ना तू, तेरे चेहरे पर साफ दिख रहा है कि तेरी हालत खराब है। मेरी हालत खराब हुई है? ए, बिठा इसको। चलो बिठा कुर्सी पे। बैठ। नेतागिरी, दस्तखत कर। क्या देख रहा है बे? शौक हो गए होंगे ना कि आखिर एक एसीपी आपके घर पे क्यों चला है? एक बहुत इंपॉर्टेंट मैटर का जिक्र करना था। पता है लोगों में आपकी बेटी किस तरह फेमस हो गई? बच्चलन के नाम से फेमस हुई है। मुझे सुनके बहुत तकलीफ हुई। रमेश राव को जानते हैं? बहुत शातिर खिलाड़ी है, उससे जीत पाना इसका नामुमकिन है। अब आप अपनी बेटी से पूछिए कि असली माजरा क्या था। मैंने तो यह भी सुना है कि आपका कोई बेटा था। पूरी फैमिली को ही सूली पे चढ़ा दोगे? कर्मों का फल तो भुगतना ही पड़ता है। वो तेरा रोड छाप आशिक है ना,
उसका अता पता पता है? हमारी गिरफ्त में है। बहुत डींगे मार रहा था, उसकी सारी चर्बी ढीली कर दी। गुंडागर्दी का केस, मारपीट का केस, एक्सटॉर्शन का केस, क्या करें, मजबूरी है। अगर तू चाहती है तेरी लव स्टोरी का दी एंड नहीं हो, तो तेरे लिए बेहतर यही होगा कि जो बोला है उसे वापस ले ले। क्या समझी? आज दिल्ली में बीसीसीआई की मीटिंग होने वाली है। बीसीसीआई ये जानना चाहती है कि रमेश राव पर लगाए गए इल्जाम सही हैं या गलत। पूरे देश में तहलका मच गया है क्रिकेटर लिली के केस से। अवाम बेचैन है इस केस के नतीजे को लेकर। बोर्ड ऑफ मेंबर आगे का कोर्ट ऑफ एक्शन तय कर पाएंगे रमेश राव के बयान के बाद। बीसीसीआई कमेटी की मीटिंग जल्द से जल्द शुरू होने वाली है। चल वहां बैठ। भाइयों और बहनों, गुड मॉर्निंग। मैं आपको सबसे पहले यह बता दूं कि यह कमेटी बीसीसीआई ने खुद बनाई है। यह कमेटी खास तौर पर इसलिए बनाई गई है ताकि रमेश राव पर लगे सेक्सुअल हैरेसमेंट के इल्जाम की जांच की जाए। हम बहुत मायूस हैं क्योंकि हमारे ऊपर ये बहुत झूठे इल्जाम लगाए गए हैं। हमारी ये गुजारिश रहेगी कि जल्द से जल्द हमें इंसाफ मिले। इसका असर हमारी करियर पर ही नहीं, आने वाली पीढ़ी पर भी होगा। खेल खेल ही रहना चाहिए, उसमें कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। मोहतरमा लिली, आपने अचानक प्रैक्टिस पर आना छोड़ दिया 2017 नवंबर से, इसकी वजह बता सकती हैं? लिली वो लोग कुछ पूछ रहे हैं। घबराओ मत, तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था, अब बताओ लीली। तू क्यों बोल रहा बीच में, तुझसे पूछा है क्या? कहां इसकी बातों में अपने दिमाग की दही कर रहे हैं? मेरी बात सुनिए, ये जो एक्सीडेंट हुआ था वही सर उसका ठीक हो गया, तो अब भी उसे खेलने क्यों नहीं दे रहे हो तुम लोग? ध्यान से काम लो। अब मिस लीली बोलेंगी एक्सीडेंट। ये बात, मेरा एक्सीडेंट हो गया था। सो सर, ये तो दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। लिली आज तो जो कुछ बोलेगी भाई तेरी आगे की जिंदगी तय करेगा। ये उसको उकसा रहा है सर, और ये कानून के खिलाफ है। बिल्कुल खामोश रहिए। तो मोहतरमा लिली, आपने 17 मार्च को रमेश राव के खिलाफ पुलिस स्टेशन में एक रिपोर्ट दर्ज कराई थी, क्या ये सही है? सर, इस बात में कोई दम नहीं है, बिल्कुल बेबुनियाद है। अगर इसमें सच्चाई थी तो इसने पहले कंप्लेन करनी चाहिए थी, आज ही क्यों की? लिली, इससे डरने की जरूरत नहीं है, जो भी है सच बता दे। तुम चुप रहो, ये किसी और प्लेयर, ये हो क्या रहा है सर? ये बैठे बैठे इसको कंप्लेन करने के लिए उकसा रहा है। इस लड़की की दिमागी हालत ठीक नहीं है सर, और डॉक्टर का रिपोर्ट भी यही है, इसे इलाज की जरूरत है। यहाँ तो तू बच जाएगा पर बाहर तुझे नहीं छोड़ूंगा। ये क्या कह रहा है? खुद पर काबू रखिए, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये तो मुझे जान से मारने की कोशिश कर रहा है, मुझे बचाइए सर। चुप कर मैं। सर, इससे ये साबित होता है कि ये आतंकवादी है, कहीं भी खून खराबा कर सकता है। मिस्टर बॉबी, आपकी इन हरकतों से केस डिसमिस हो जाएगा और मिस्टर राव को क्लीन चिट मिल जाएगी। आप लोग समझ नहीं रहे, ये बहुत ही गिरवा इंसान है, ये एक बलात्कारी है। बलात्कारी? ये मुझे बलात्कारी कह रहा है सब लोगों के सामने? बलात्कारी? ये सरासर ना इंसाफी है सर। बंद कर अपना नाटक और चुपचाप बैठ। सर, ये सालों से यही घिनौना काम कर रहा है, कितनी अच्छी प्लेयर्स ने इसकी वजह से क्रिकेट खेलना छोड़ दिया है। मैं आपके सामने उन सबको ला सकता हूँ। सर सर, एक मिनट के लिए हमें भी कुछ कहने दीजिए। प्लीज प्लीज गिव अस अ मोमेंट प्लीज। हाँ तो मिस लिली, अब आप ये बताइए, मिस्टर राव ने आपके साथ कोई हरकत की थी या नहीं? सिर्फ हाँ या ना में जवाब हो। नो। मान लेते हैं कुछ नहीं हुआ, तो फिर आपने शिकायत क्यों की थी? अगर ये बात है तो हमें बॉबी के खिलाफ मुकदमा दायर करना होगा, ये आप जानती हैं। सर, क्या आपकी बेटी दिमागी तौर पर ठीक है? उन्हें अंदाजा भी है कि वो क्या कह रही हैं? मैं इसे नहीं पहचानता हूं। आखिर कहना क्या चाहता है? पता नहीं, जिसके लिए लड़ रहा था वो ये लड़की नहीं हो सकती। आप लिली को जानते ही नहीं, तो इस शिकायत का क्या मतलब है?
मैं ऐसे नहीं जानता। रमेश राव और मेरे बीच जाती दुश्मनी है। एक बार किसी वजह से मेरा उसके साथ झगड़ा हो गया। मैं गुस्सा काबू नहीं रख पाता, इसलिए मैंने उससे लाफा मारा। उसके बाद भी मेरा गुस्सा ठंडा नहीं हुआ। मैं उससे बदला लेना चाहता था, इसलिए उसकी रेपुटेशन खराब करने के लिए उसके ऊपर ये सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस किया। वैसे भी लड़ाई झगड़ा करना मेरी आदत है सर। खुद को सुधारने की लाख कोशिशें की पर नहीं सुधरा। शायद इसलिए मेरे अपने भी मुझे छोड़ना चाहते, क्योंकि उन्हें यकीन है कि मैं कभी नहीं सुधर सकता। इन सब में लिली को शामिल करने की वजह? ये मेरे पड़ोस में ही रहती थी सर। 3 साल पहले एक शादी में से मुलाकात हुई थी। पता चला कि ये क्रिकेट खेलती है, तो मुझे रमेश राव से बदला लेने का मौका मिल गया। मुझे नहीं पता था कि बात इतनी बढ़ जाएगी। इसका सबसे कोई लेना देना नहीं है सर, कसूरवार सिर्फ मैं हूं। बहुत हो गया सर, अभी कोई कंप्लेंट नहीं चाहिए। ये तो मेरे सर के ऊपर से जा रहा है सर, मुझे और बर्दाश्त नहीं होता। मेरा घर बर्बाद हो जाएगा सर। हमें माफ कर दीजिए, हमें अंदाजा है कि आप पर क्या बीत रही है। आप प्लीज बैठ जाइए। मिस्टर बॉबी, जानते हैं आपने इस लड़की का करियर और मिस्टर राव की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया है। न जाने क्या सोच के आपने ऐसी हरकत की है, सजा तो आपको मिलेगी। मिस्टर श्रीकांत, चलिए इन्हें गिरफ्तार कर लीजिए। देखा ना सर, मैंने आपको पहले ही कहा था, समाज में ऐसे लोग एक दीमक की तरह हैं। पवार, ले जाके पटक दे जेल में इसे। लेकर चलो सर। बॉबी, बॉबी, प्लीज नहीं, बॉबी। तुम मेरे लिए अजनबी हो। बॉबी, और कोई रास्ता नहीं। बॉबी प्लीज, बॉबी प्लीज, मुझे छोड़कर मत जाओ। बॉबी, बॉबी, पापा, छोड़ दो उसे। जनाब रमेश राव, आप बैठ जाइए। हम कमेटी की तरफ से आपसे मुआफी मांगते हैं। नहीं 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 सर, आप किस लिए माफी मांग रहे हैं? माफी तो इस लड़की ने मांगनी चाहिए सर। अब मैं आपको सच बताता हूँ, इस तरह की पागल लड़कियां जिन्हें अच्छी तरह खेलना नहीं आता तो टीम में घुसने के लिए सारी हदें पार कर सकती हैं। ऐसे वाहियात लोगों की वजह से पूरा खेल चल रहा है। इसलिए क्या कर रही है? रुक, इतनी लड़कियों की जिंदगी और करियर बर्बाद करेगा। अरे क्या कर रहे हो? जाने दीजिए उसे, ऊंचाई से और मारो इसे। क्या बात है, लड़की सुन रही है? नहीं आई उसे इसलिए धोखे दिखाओगी? चलो ये कोई छोड़ो मुझे, लीव मी अलोन। इसने मेरी जिंदगी को दोजख बना दिया। मेरे लिए क्रिकेट ही सब कुछ था, वो मेरा ख्वाब था, पर इस दरिंदे ने मेरे ख्वाब को अपने कदमों तले कुचल दिया सर। इसने ऐसी ऐसी हरकतें की है जो मैं किसी को बता भी नहीं सकती। ये लेडीज वॉशरूम में आके लड़कियों के साथ बदसलूकी करता था, इसके लिए तो हर सजा कम है। एक सेलेक्टर प्लेयर्स का भगवान होता है। मिस्टर राव की इस हरकत ने पूरे बोर्ड को शर्मिंदा किया है, जिसके लिए हम माफी मांगते हैं। मिस लिली के फन का पूरा बोर्ड पायल, हम उनसे इंतजार करते हैं कि वो अब नेशनल सिलेक्शन टीम की तैयारी करें। और हाँ, उनके दोस्त बॉबी का भी बोर्ड शुक्रगुजार है, जिन्होंने इतनी हिम्मत से केस को उजागर किया। कोर्ट मिस्टर राव को उनके पद से बर्खास्त करता है और उन पर कानूनी कार्रवाई की इजाजत देता है। सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, हमारी फौज बहुत ऊपर तक है। हमें आपके साथ सवाल करने हैं। मिस लिली, आपके साथ क्या हुआ था? यहाँ यहाँ
लिली एक सवाल, इतने दिनों तक आपने इस बात को छुपा कर क्यों रखा? डर, डर इंसान को खोखला कर देता है, और खास करके हम लड़कियों को। हर इंसान का कोई ना कोई ख्वाब होता है, और उसे पूरा करने के लिए बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। उस वक्त मुझे किसी का सपोर्ट नहीं मिला, मदद के लिए कोई था ही नहीं, इसलिए हम खामोश रह गए। लेकिन हर किसी को अपने डर पर जीत पाने के लिए एक खास इंसान की जरूरत होती है, जो निडर हो। अगर सरल भाषा में कहूं तो हर किसी के जीवन में होना चाहिए एक कॉमरेड। कॉमरेड कोई भी हो सकता है, आपका दोस्त, आपके भाई बहन या माँ बाप। इस तरह मेरी जिंदगी में एक कॉमरेड है। मैंने तो बस एक बार उसे कॉमरेड कह के बुलाया, और उसने हमेशा मेरा साथ दिया, कभी मुझे अकेला नहीं छोड़ा, खुद की परवाह ना करते हुए मुझे सपोर्ट किया, और आखिर उसने मुझे लड़ना सिखा ही दिया। मेरी ये जीत उसकी जीत है। मिस लिली, इस वक्त आपका कॉमरेड कहाँ है? आप दोबारा क्रिकेट खेलना कब शुरू करेंगी? मैं इसे नहीं पहचानता हूँ। जिसके लिए लड़ रहा हूँ वो ये लड़की नहीं हो सकती। क्या कह रहे थे, पड़ोस में रहती हूँ। पता है रमेश राव को अरेस्ट किया गया, मैंने उसे सबक सिखाया, लोगों के सामने मारा उसे, सबने मुझे रोकने की कोशिश की फिर भी उसे नहीं छोड़ा। उसका चेहरा देखने लायक हो गया था जब उसकी सच्चाई को सबके सामने लाके मैंने उसका पर्दाफाश कर दिया। तुम्हें देखना चाहिए था वो, अभी मैंने कितनी हिम्मत दिखाई। मैंने सब देखा, देखा तुमने क्या किया। नहीं, मुझे हाथ भी मत लगाना। क्या कह रहे थे, मैं तुम्हारे लिए अजनबी हूँ और हमारा एक दूसरे से कोई वास्ता नहीं। टेक इट बैक, अभी कभी इस बात को वापस लो, वरना मैं तुम्हें बहुत मारूंगी। मैं कह देती हूँ, चलो वापस लो तुम्हारी बात। ले ली, वापस ले ली। खुश? ये कहानी सिर्फ लिली की नहीं है, उन सारी लड़कियों की है जिन्होंने कभी ना कभी ऐसे इंसानों का सामना किया है जो अपने ओहदे का फायदा उठाते हैं। कुछ तो उनका मुकाबला कर पाती हैं, पर कुछ उनसे बिना लड़े बदनामी के डर से हार मान लेती हैं। लेकिन उस हादसे की वजह से उनकी दिमागी हालत खराब हो जाती है। हमें समझना चाहिए कि हमें लड़कियों पर उंगली नहीं उठानी चाहिए, बल्कि उनका सहारा बनना चाहिए, ना कि उन्हें डरा धमका के चुप करा देना चाहिए। अगर कामयाब होना है तो दिल से हर तरह के खौफ को निकाल देना होगा। अपने हर चाहने वाले के लिए आप ही को कॉमरेड बनना होगा। याद रखें, टीम डियर कॉमरेड।